ये गेट पे क्यों खड़ा है रे तू? या बाहर आ जा या फिर अंदर जा, बीच में क्यों हाथी की तरह खड़ा है रे? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म पे, क्या हो रहा है सबको कवर करने के लिए। हाँ, तुम खुद को बहुत हैंडसम समझते हो क्या जो सबको तुम दिखाना चाहते हो? ए, पुणे से लेके हैदराबाद तक मच्छर की तरह मेरा खून चूस रहा है। सॉरी। हे मैन, व्हाट्स योर नंबर? 14 नंबर। ओह, तुम ही हो क्या? जी हाँ। आपका नाम सनी है? जी हाँ। धत तरह की, तुम कोई टीवी आर्टिस्ट हो गए, हम ये समझे थे। आज तुम लाइन मारने की पूरी तैयारी करके आए थे, बैड लक। हमारे लिए गुड लक है, वैसे इस हैंडसम को मैं संभाल लूंगी। ए मोटू, अंदर जाने देना। हाँ आइए साहब, आइए सब बिंदास। ए मोटू, नंदी बैल की तरह बीच में रास्ता रोके खड़ा है, ये भाई को जाने देना, साइड में हट। हाँ हट गया ना यार, आने दो। Stop it! ऐसे मनुष्य हैं ये, ध्यान भंग कर दिया हमारा। वाओ, सिंपली सुपर्ब सर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप, कांग्रेट्स। थैंक यू। आपका गाना सुनकर दिल में कुछ कुछ होने लगा था। बाय द वे, आई एम अशोक सर, आई एम प्रभाकर। अरे रुको यार, ये तो ट्रेन में हमारे साथ ही है ना, मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सर ये है अशोक। हेलो सर। हेलो। ये लड़की है मालती। है। ये सुंदर। हेलो सर। हेलो। ये प्रवीण। हेलो सर। हेलो। साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड साइड। ए इतना मत तड़प रे, तेरा स्पेशल इंट्रोडक्शन कराता हूँ, तू भी क्या याद करेगा। सर इसका नाम है चरपति, आकार गणपति, गाँव तिरुपति, और इसकी माँ बेचारी भूख से तड़प कर मर गई, बाप चार टाइम खा के मर गया। मैं एक्चुअली हैदराबाद से एजुकेशन टूर के लिए पुणे आई थी। आप यहीं रहते हैं क्या सर? नहीं सर, आप यहाँ पर जॉब करते हैं क्या? नहीं। आपका क्या कोई बिजनेस है? नहीं यार, ये घूमने के लिए आए होंगे, है ना? अच्छा? नहीं यार। तो फिर आप कहाँ से आ रहे सर? जेल से। ऐसा नहीं हो सकता सर, आप हमसे मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, 7 साल के जेल की सजा काट कर मैं आज ही छूट कर आया हूँ। 7 साल की जेल की सजा काटने की वजह रेप, मर्डर, रॉबरी, ये सब गुनाह करने वाले को इतनी लंबी सजा मिलती है। तो फिर आप? अरे मुझे दो, पहले मुझे दो। मैं लूंगी, मैं लूंगी। मैंने कहा ना मैं लूंगा। मैं लूंगी, मैं लूंगी। मैं बाद में दूंगा। अरे मुझे दो। अरे रे, हमारे बलून। नहीं नहीं, मेरा है, मेरा है। पकड़ो। रुक जाओ, रुक जाओ। मुझे दो। आंटी। तुम्हारा है क्या? हाँ आंटी। ले लो। What's your name? मोनिका। अच्छा आंटी, फर्स्ट फ्लोर पर रहने के लिए आप ही आई है ना? बिल्कुल सही, तुम्हें कैसे पता? आप लोगों को अपना सामान ले जाते हुए देखा था। बाय आंटी। बाय आंटी। बाय आंटी। हाँ। यू आर सो क्यूट। थैंक यू। फैन और ट्यूबलाइट मैंने फिट कर दिया है, और कुछ काम होगा तो मुझे बुला लेना। अच्छी बात है। हाँ ठीक है। दादी माँ, दादी माँ। हाँ क्या है बेटा? सामान सब आ गया है ना? सब कुछ आ गया, घर बहुत बढ़िया है ना? उधर तो मेरा दम घुटता था, इस घर को देखो कितना बड़ा, कितना अच्छा है। यहाँ सब कुछ पास में भी है, एक तरफ जनरल स्टोर, दूसरी तरफ राशन की दुकान, उसके बाजू में लॉन्ड्री की दुकान, और उसके बाद में। इसका मतलब आपको ये जगह बहुत पसंद आई? मुझे बहुत पसंद आई। तुझे एक चीज दिखाती हूँ। देख तो, यहाँ से तेरा कॉलेज कितना नजदीक है। आज दीपावली है ना, तो जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, हम लोग मार्केट जाकर पूजा का सामान लेकर आते हैं। ठीक है दादी माँ। चल बेटा। ए मेरे भगवान, कितनी देर हो गई मुझे, इतनी गहरी नींद कैसे लग गई मुझे। अरे भगवान, भाग्यवान, भाग्यवान,
टाइम कितना हो गया तुम्हें पता है? उधर कब की दुकान खुल गई होगी? मैं लेट पहुंचूंगा तो ग्राहकों का क्या होगा? क्यों भाग्यवान, मेरे लिए उठ के जल्दी से नाश्ता तैयार नहीं कर सकती? महारानी की तरह गूंगी बनकर पेपर लेकर बैठी हुई है। सुबह के समाचार, छोटा नगर, शुक्रवार, नवंबर 14। बैग कॉफी पहुंचाने के बाद भी डांट खाती हुई पत्नी। कॉफी तो लेकर आई लेकिन जगह जाके नहीं। अपने प्यारे से पति को दिलो जहाँ से चाहते हुए भी उसके मन की कामना पूरी करने वाली पत्नी। तेरा बाकी का समाचार मैं शाम को सुन लूंगा। भाग्यवान, मेरा पैंट इस्त्री कर दिया? वक्त से पहले सब कुछ तैयार करने के बाद भी सवालों से जूझती एक मजबूर, जिम्मेदार, कर्तव्यपूर्ण बीवी। क्यों रे, हर चीज समाचार में लिखा है क्या? तू पेपर में पढ़कर सुना रही है? वो सब तो ठीक है, मेरा टिफिन तैयार किया है कि नहीं किया है? वो मैंने सुबह ही खा लिया। अपनी तरफ तुम इतना ध्यान मत दिया करो, थोड़ा ध्यान मेरी तरफ भी दिया करो। हर वक्त कमी निकालने वाले पति से परेशान होकर भी हंसती हुई वाइफ। देखो श्रीमती जी, तुम 2400 घंटे गहने में सज धज कर पेपर में घुसी रहती हो। किसी दिन ये भी लिख करके आएगा, बीवी की गैर जिम्मेदाराना बर्ताव से तंग आकर एक जिम्मेदार पति ने अपनी जान दे दी, ये एक दिन हेडलाइन में आएगा। हाँ, लेफ्ट साइड में तुम्हारा फोटो होगा, राइट साइड में मेरा फोटो होगा। एक दिन लोग उसे पढ़ेंगे, दूसरे दिन लोग भूल जाएंगे कि पेपर में क्या लिखा हुआ था। मुझे वैसे भी देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ, क्या बहुत देर हो गई थी, अब क्या करें? नहीं, किसने मुझे घर से बाहर निकलते ही लड़कियों के दर्शन हो गए। वाह रे वाह, आज तो मेरी चांदी चांदी हो गई। शाबाश शाबाश, अरे लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। अरे बाप रे, अभी तक शॉप नहीं खुली है, फिर अपना धंधा आगे कहाँ से बढ़ेगा? किसी भी वर्कर को टाइम की जरा भी कदर नहीं है। क्यों बे, इतना लेट क्यों? रात को लास्ट शो सिनेमा देखने गया था सर, इसीलिए लेट। ना तुझे घुमा कर, तू लास्ट शो सिनेमा देख कर मुझे मिड डे शो दिखा रहा है? टाइम पे दुकान खुलनी चाहिए, यूजलेस फेलो। वो किराने की दुकान देख, वक्त से पहले वो दुकान खुल जाती है। उस सेठ को देखो, ब्याज पे ब्याज लगाकर लोगों को लूटने के लिए इतनी सुबह कर लक्ष्मी देवी की आरती उतार रहा है। ओए इडियट, भले ही वो सारी दुकानें खुले या ना खुले कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो है इमरजेंसी दुकान है। साला एक दिन मैं लेट आ गया तो तू मुझसे भी लेट होकर के आएगा? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है तू? टाइम देख जरा, जल्दी कर। ठीक है साहब। देख 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 लिया तूने, दुकान के खुलते ही सारे इलाके की रौनक बदल गई। वो किस लिए पता है ना? नंबर वन विस्की सिर्फ हमारे यहाँ मिलती है, समझ गए? लेकिन अभी तक ऑर्डर तो नहीं आया सर। तो क्या अब तो अपने जेब से पैसे निकाल कर ऑर्डर देने वाला है? 400 रुपए की एक बॉटल आती है, तेरे औकात है क्या? चल अपना काम कर। आज के दिन लगता है मालिक अपने घर से ही चढ़ा कर आया है। घर से चढ़ा कर आया? ए, जब तक मेरी शॉप में बोनी नहीं होती तब तक मैं नहीं चढ़ाता। कितना बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, इस कंपनी के मालिक की रोजी रोटी मेरी वजह से चलती है। तुम सब लोग क्या सोचते हो मैं सब समझता हूँ, तेरा भी पीने का मूड जरूर करता होगा। सीधे तेरी पगार से 86 रुपीज काट लूंगा। अगर कोई मेरे साथ नमक हरामी करता है तो मैं सीधे उसे अंदर दफन कर देता हूँ। गुरु, 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 क्या है ये गुरु? क्या हुआ? मैं बोतल खरीदने आया था, आपने दुकान बंद कर दिया, मूड खराब हो गया। तेरे जैसे कितने ही चेलों को पहले मूर्ख बनाकर छोड़ चुका हूँ। एक मिनट बात सुन, पहले ये बता तुझे सबसे पहले पीना किसने सिखाया रे? मेरे गुरु ने। और आज तुझे जब बॉटल नहीं मिल रही है तो तेरा मुंह झुक गया? नहीं छोड़ो, इसीलिए चल शटर बंद कर। आज के दिन अगर मैंने बोनी भी की तो मेरे खानदान पे लानत है। हाय हाय, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, चलो आओ बैठ जाओ। क्या हुआ मैम, आप बहुत उदास लग रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है इंदु, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। आज शाम को अनाथ बच्चों के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया था ना? हाँ। उस प्रोग्राम में गाने वाली लड़की अचानक बीमार पड़ गई है। वैसे हमने दूसरा सिंगर अरेंज करने की कोशिश की लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो भी मुकर गया। सारे टिकट बिक चुके हैं और प्रोग्राम नहीं हुआ तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। अरे हाँ मैम, हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता है, वो बहुत बढ़िया गाता है। अगर आप हाँ कर दें तो मैं उसे बुला सकती हूँ। लेकिन अगर वो अकेला गाएगा तो प्रोग्राम खराब हो जाएगा इंदु। ऐसा नहीं होगा मैम, आपने उसकी आवाज़ नहीं सुनी है। एक बार उसकी आवाज़ सुन लेंगी ना तो मेरा डिसीजन सही लगेगा। ओके इंदु, अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो उसी से हम गवाते हैं। वो दिखने में कैसा है? अरे वैसे मैंने उसकी आवाज़ ही सुनी है, सामने से देखा ही नहीं। वो गाने वाला कहाँ रहता है उसका पता लगाकर एड्रेस ले आऊं मैम? ओके इंदु, सबसे पहले तुम यही काम करो। ओके मैम, बाकी सब मेरे साथ चलो। अरे यार बालू, हम लोग जिंदगी भर इसी तरह से केबल का कनेक्शन देते हो कब तक जिएंगे यार? अपनी रेंज में कुछ आ गई तो बदल लेंगे। चाहे ये टीवी हो चाहे वो टीवी हो, मेरा नाम आता है झांसू चैनल, तुमने देखा है क्या? चैनल ओपन करते ही तेरा नाम आएगा, ये खाने की बात है क्या? अपनी रेंज में आएगा तो बदल के देख लेंगे, चल अपना काम कर। काम ही तो कर रहा हूँ। अरे माधव माधव,
क्या ठीक से चैनल पकड़ रहा है कि नहीं, तू देख कर बताना। तू ऐसे बेसुरे सुर में बुलाएगा तो आएगा क्या? अब मैं बुलाता हूँ, तू देखते रह। बुला। माधुरी माधुरी माधुरी। दीदी तेरा देवर दीवाना। अब क्यों बुलाया? मैंने तुझे जो काम बोला था वो छोड़कर ये क्या कर रहा है डार्लिंग? वो क्या है? बिंदी लगाने के बाद मैं कैसा दिखता हूँ ये शीशे में देख रहा हूँ। ये क्या यार, ये क्या एक्टिंग कर रहा है? एक्टिंग नहीं कर रहा है, महसूस कर रहा है। ये औरत और मर्द के बीच वाले होते हैं ना, खुद को महसूस करने में डूबे रहते हैं। ये लोग होते ही वैसे हैं, शीशे के सामने बैठकर खुद को टीवी प्रोग्राम का कैरेक्टर समझकर एक्टिंग करते रहते हैं। ये बात है। हाँ। अच्छे अच्छे मर्द लोग भी ना माथे पर बिंदी लगाकर मर्द होने के बावजूद औरतों की एक्टिंग करते हैं। अरे ये बात तू जानता है कि नहीं जानता बालू? ना जाने आज सुबह किसका मुंह देख करके उठा था। सने सने एक एक आदमी तीन तीन चार चार बनकर दिख रहे हैं। सनी कहाँ है जरा बताओ तो? वो यहाँ पर नहीं है। वो यहीं पर होगा, यहाँ नहीं है तो कहाँ गया होगा? रात में गाने का प्रोग्राम था, अब जाकर कहीं रेस्ट कर रहा होगा। बहुत बड़ा सिंगर है वो तो, रात भर मेहनत करेगा, दिन में आराम करेगा। पता है मैंने उसकी जिंदगी पर तरस खाकर केबल टीवी का कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया, तो उसने तुझे सब कॉन्ट्रैक्टर बना लिया है क्या? आने दे उसको, मैं देखता हूँ फिर। ये यहाँ कर ऐसे बड़बड़ कर रहा है जैसे हम लोगों को फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो। ये बात नहीं है यार। तो वो किधर है? हे पंडित, क्या है ये? कब से सोया पड़ा है? चल उठा इसे। नहीं नहीं, हमारा सनी है ये, रात भर इसने गाना गाया, अभी सोया है। लेट नाइट को लाइट चली गई थी ना। हाँ। इसलिए इसको अभी मत जगाओ। वो तो ठीक है पंडित, कस्टमर कैसे आएंगे? तुझे चाय नाश्ता चाहिए ना? हाँ मिल जाएगा, चल उधर से थोड़ा हाथ लगा। ठीक है। अरे कुत्ता है यार ये तो, अपना ही कुत्ता है। जिमी सर थोड़ा आप साइड हो जाइए। ओए 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 पंडित, तुम अपना धंधा ही देख रहे हो, उसको यहाँ पर लाकर के पटक दिया। अगर मेरा धंधा चौपट हो गया तो? अगर तुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो तू ही बाजू में उठा के रख दे खटिया समेत। ये तो अपना बोझ उठाकर मेरे सर पर लाद गया। ओए सलसवा, चलो इधर आ, उठा इसको। अरे तुझे अकल है क्या, इसको कहीं और ले जाकर नहीं रख सकता? अरे यार करम फूट गए। ओए सुबक्कड़, चल उठा इसे, रात भर कहाँ मर गया था क्या मालूम। अरे बाप रे, ये क्या रे? नमस्ते भाई। गुरु नमस्ते। क्या बे? क्यों बे? नहीं पहचाना? निक्कर वाला भाई को तुमने सलाम नहीं किया? मसल दूंगा। गलती हो गई भाई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पहली गलती इसलिए माफ कर रहा हूं। जाता हूं। ए, निक्कर बाला भाई इस तरफ आ रहा है, जब तक वो पैसा नहीं दे उसे मटन नहीं देना। भैया वो इस एरिया का गुंडा है जानते हो, फिर भी पंगा क्यों ले रहे हो? कुछ देकर जान छुड़ा लो ना। ए, चुप रहे। यो बे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? अभी तक तो सब कुछ ठीक था। चलेगा ही, अपने आदमी से 6 किलो मटन भिजवा दे। 6 किलो क्या, 1.25 किलो भी नहीं भिजवाऊंगा, पहले का पैसा चुकाओ। क्या पैसा? क्या कहा? पैसा लाओ। क्यों 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 क्यों, किससे तू पैसा मांग रहा है जानता है? ये निकर वाले भाई से तू पैसा मांग रहा है? तुम उससे बड़ा गुंडा है? मेरे पास गाड़ी या बाइक नहीं है इसलिए तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? ये सुन, मेरे पुराने यार लोग सब जेल से छूट कर आए हैं, एक 6 किलो का फर्स्ट क्लास कीमा बनाकर साथ में पूरी जांग का बोटी बनाकर भिजवा दे। तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? ए, यही मटन चाहिए, नहीं तो समझ लेना बिना पैसा लिए तू मटन नहीं देगा, ऐसा जिद मत करना। ए, इधर ही मैं तुम लोगों की चुटकी बजाकर बोटियां कर दूंगा। अरे ये क्या भाग के जा रहा है? सुन ले, इज्जत से पैसा देगा तभी तुझे मटन मिलेगा। क्या? ये निक्कर वाले भाई से पैसा लेकर तू मटन देगा? ए, तुझे 2 मिनट में मैं यहाँ से रफा दफा कर सकता हूँ, मैं पैदा होते इंसानों की बोटी 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 काटता आ रहा हूँ। चल भाग यहाँ से। भाग जाओ मैं? ए, मुझे भागने के लिए कह रहा है मरे हुए बकरे बेचने वाला तू? तू मुझे भगाएगा? तू
मुझ पर तूने चापर उठाया? सिर्फ उठाया नहीं, काट भी दूंगा। बटन तो ले लिया, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते रहो। ला 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 ला। मैडम 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 प्लीज मुझ पर एक दया कर दो। तुम लोग रोज मुझे इतना दर्शन दिया करो, मैं तुम्हें केबल कनेक्शन फ्री में दे दूंगा। क्या? हमारे घर में तो टीवी भी नहीं है। यही कहीं वो गाने वाला रहता है। कहाँ पर इंदु? हाँ मिल गया मैम, वो उस टाइटन बोर्ड के नीचे उस दिन गाना गा रहा था। अगर तूने उसे देखा नहीं तो पहचाने की कैसे? हम किसी से भी पूछ लेंगे मैम। ठीक है। ए, अरे अरे मर गया। नहीं चल सकता क्या? तूने देखा क्या? खुद अंदर जैसा चलाता है और मुझे कहता है चल जा। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। हमें किसी का पता पूछना है। मुझे 86 रुपीस चाहिए। वो तो मिल जाएगा। रात में यहाँ पर एक लड़का गाना गाता था, आप उसे जानते हैं? कौन? सनी। ओह, उसका नाम सनी है। उससे तुम्हें क्या काम? मेरा नाम इंदिरा है, पास के ही कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। हमने अनाथ बच्चों की मदद के लिए प्रोग्राम अरेंज किया है, उस फंक्शन में उसी लड़के से गाना गवाना है। इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? वो मुझे नहीं पता। वो नालायक की औलाद कहाँ होगा उसे ही पता होगा। मेरे सामने आने दो, उसकी टांग तोड़कर उसके हाथ में पकड़ा दूंगा। गाने का ठिकाना नहीं गाना गएगा। अरे तुम यही खड़े हो अभी, एक बार वो मिल जाएगा तो मार डालूंगा, मार डालूंगा। हेलो, अगर आपको एड्रेस पता है तो बताइए, नहीं तो अनाप शनाप बातें मत करिए। मेरी मर्जी, मैं उसकी बोटियां बना करके गोटियां खेलूंगा, उसको 5-स्टार होटल में ले जाके बर्तन साफ कराऊंगा, चाहे मैं उसे आर्गुमेंट करूं या थप्पड़ मारूं। उसके लिए वैरायटी वैरायटी की आर्गुमेंट मेरे पास है। उसे रोकने वाली तुम कौन होती हो? आई वॉन्ट 86 रुपीज। दिखने में तो आप एक शरीफ इंसान लगते हैं, लेकिन बात करने की तमीज भी नहीं। वैसे आपकी ओपिनियन क्या है मैडम? व्हाइट एंड व्हाइट पहनने वाला सब शरीफ होता है, इसका कोई सबूत देना होगा आपको। आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई वॉन्ट 86 रुपीज, गिव मी फास्ट। शट अप इंदु, प्लीज जल्दी से मेरा 86 रुपीज दे दो। भीक मांगना बंद करो, चलो इंदु। मुझे मेरे हक का 86 रुपीस नहीं दिया और भरे बाजार मुझे इंसल्ट भी कर दिया। इट्स वेरी बैड। आप जल्दी से यहाँ से जाइए, आगे ट्रैफिक जाम है। मैंने सोचा था आज करेक्ट टाइम ऑफिस पहुंचूंगा। कौन है बे जो रोड पे टेढ़ा खटके डालकर सोया है? आखिर कौन है ये? सिग्नल से तो ऐसे ही परेशान हूँ। नहीं भाई रुक जाओ, लगता है रात को कोई इसका मर्डर करके इसे खाट पर लिटा के बीच रोड पर छोड़ दिया है। देखते नहीं उसके खाट पर चापर है? देखो भाई चापर में खून भी लगा है। अरे लगता है इस इलाके में खतरनाक भाई लोग रहते हैं। यहाँ पंगा नहीं चाहिए, उसको वहीं पड़े रहने दो, मुझे नहीं जाना है। अरे आगे तो बढ़ो, जाम है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? कोई गुंडा सड़क पर खटिया डालकर सो रहा है, उसके बाजू में खून से लथपथ एक चापर भी पड़ा है। ये क्या है मैम? कोई गुंडा यहाँ पर आकर आराम से सो रहा है और पब्लिक खड़े होकर तमाशा देख रही है। इंदु हमें इससे क्या लेना देना है? तुम चुप रहो। मैं बिल्कुल चुप नहीं रहने वाली मैम, ये रोड किसी का बेडरूम नहीं है, मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। इंदु इंदु रुको। वो लफड़े में फंस जाएगी, उसको रोको। चलो इंदु, हमें लफड़े में नहीं फंसना है, चलो यहाँ से। चलो इंदु चलो, रहने दो उसे। इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। फिल्म चल रही है क्या यहाँ पर? उसे सबक नहीं सिखा सकते? क्या बात है, यहाँ मेला कैसा लगा हुआ है? यहाँ मेला नहीं लगा है, आप बीच सड़क पर खटिया डालकर सो रहे थे। मैं यहाँ खटिया के साथ कैसे आ गया? रास्कल कहीं का, अकल नहीं है क्या तुम्हें? क्या बात है मैडम, तुम पे भड़क क्यों रही है? समय है गुरु। समझ गया, चल चल अपना काम कर। आ,
ये चापर यहाँ पर कैसे आ गया? ऑटो तू गाड़ी निकाल यार, मैडम आप बैठी है। चुप है, चलो आओ ना इंदु, बैठ जा। आओ एक बार एक कौवा करंट का शौक लगने से मर गया। मरने से पहले वो अपनी जान बचाने के लिए काव 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 करके तड़पता रहा बेचारा। पता है क्यों? एक सीनियर शराबी हो के मैं तुम जैसे शराबियों की जान बचाने के लिए अपनी दुकान पे ताला लगा दिया। जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने इतना बड़ा कदम इसलिए उठाया क्योंकि हमारे देश के शराबियों में कोई यूनिटी नहीं है। दरवाजा खोलो, कौन है उधर? ए यूनियन मीटिंग चल रही है, तुम शोर मत मचाओ यहाँ पर। मैं अंदर मर जाऊंगा सेठ। साइलेंस रहो बिल्कुल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दिन से मैं तुम्हारा यूनियन लीडर हूँ, चाहे वो मेरा कोई लेबर हो, चाहे वो मेरा मालिक ही क्यों ना हो। कोटेश्वर राव जो कहता है वैसा ही आप सब लोग करेंगे, समझ गए ना? चलो। अरे अब चुटकुले सुनाना छोड़ो, अंदर कौन बंद है शटर उठा के दिखाओ। चुप कर रहे, टॉनिक नहीं मिलता यहाँ पर, इसीलिए तो यूनियन बनाने की मेहनत कर रहा हूँ मैं। कौन है मैं जो मेरी परमिशन के बिना शटर खोल रहा है? हेलो सन्नी साहब, नमस्ते जी। तो बताइए जनाब, अब तक कहाँ थे आप? क्यों रे, तेरा यहाँ कोई सहारा नहीं है ये सोचकर तुझ पर तरस खाकर केबल टीवी का कनेक्शन लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुझे दिलाया, लेकिन मेरे धंधे में तूने मुझे उल्टे मुंह पटक दिया। अब तक तेरे पीछे कितना पैसा बर्बाद हुआ पता है तुझे? अरे मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे अंदर भी इंसानियत बाकी है अभी तक। एक क्वार्टर दे। क्यों रे, तू भी हमारी यूनियन में शामिल हो गया है क्या? इतनी सुबह सुबह आकर शुरू हो गया? छोटू इसका ढक्कन ऐसे घुमाकर नहीं खुला जाता, इसके लिए स्पेशल टेक्निक होता है। टेक्निक ला। ये ले। ये तुम्हारे लिए। ओ, मेरे लिए? एक्सक्यूज मी, क्वार्टर जाते ही मैं सब कुछ भूल गया, ये मत समझ लेना तुम। मेरे केबल के पैसे लाओ बाबू। आइए इधर आइए। कॉमरेड्स बर्नी हो गई, तुम लोग भी शुरू हो जाओ। तुम मेरे पैसे नहीं दोगे क्या? मैंने कब कहा पैसे नहीं दूंगा? तुम शराब पीकर बेहोश होकर रोड पर पड़े होगे तो कोई चुरा लेगा। तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहते हैं पता है? इसलिए केबल के पैसे कलेक्ट करके अपने पास रखे चाची को देने के लिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, रोड पर बच्चों जैसे रो रहे हैं। छोटू तू मेरी फैमिली के बारे में इतना ज्यादा अच्छा सोचता है, और मैं कि तेरे बारे में नाम से ना बकते रहता, वैरायटी वैरायटी की तरह से हमेशा भला बुरा कहता हूँ। तो क्या हुआ चाचा, तुमने क्या गलत किया? ठीक नहीं किया होगा, आज मैंने एक अनजान लड़की के सामने तुझे गलत कहा। लड़की के सामने? कौन सी लड़की? इंदिरा नाम है उसका, पास के कॉलेज में पढ़ती है। अनाथ बच्चों की मदद के लिए वो लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तू वहाँ पर गया इसलिए तुझे ढूंढ रहे थे। उन अनाथ बच्चों के प्रोग्राम में तू न जाए इसलिए मैंने उन्हें उल्टा सीधा समझाकर यहाँ से वापस भेज दिया। स्टेज पर एक बार गाना गाने के मौके के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ पता है? आज हाथ में आया हुआ मौका तुमने मिस करवा दिया चाचा, कम से कम उस लड़की का एड्रेस तो लिया होता। अब ये बात मुझे क्या पता था, हाथ आई रोटी मुंह तक नहीं पहुंची, उससे पहले स्लिप हो गई। लेकिन वो लड़की बहुत खूबसूरत और बहुत ही शार्प है ये मुझे पता है, एक बार सामने आ जाए तो मैं तुरंत पहचान लूंगा उसे। छह बिना पिए भी पागल हो और पीकर भी पागल। भतीजे तू भी पागल है। अरे अरे हाँ क्या हुआ? लड़का लेडीज टॉयलेट में जाग रहा है, चलो अंदर चल कर बता। चलो चलो सुनो, वो अरे देखो वो लड़का लेडीज टॉयलेट में। हाँ हाँ चलो चलो, कौन है अंदर? लेडीज टॉयलेट कैसे चला गया? देखो कौन अंदर? रास्कल कहीं का। ए पत्थर मत मारो, वहाँ आ गया तो छोड़ूंगा नहीं। अरे यार रुकना, ये अन्याय है, सच कह रहा हूँ। केबल कनेक्शन लगाने के लिए उस बेवड़े को हमारे पीछे लगाकर खुद लड़कियों के पीछे घूम रहा है अपना कनेक्शन फिट करने, ऐसा नहीं चलेगा। ये मैं भी जानता हूँ, चल माचिस ला। नहीं है। नहीं है। एक्सक्यूज मी बेब्स, आप लोगों के पास माचिस है क्या? मैं क्या ऐसी वैसी दिखती हूँ जो मुझसे माचिस मांग रहे हो? इतनी गुस्सा क्यों हो रहे हो मैडम? बुझे हुए दिल में आग लगाकर फिर से दिया जलाने के लिए मैंने तुमसे माचिस मांगा तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या? चुपचाप बकवास बंद कर रास्कल। क्या जूता मार के गई है देखा? छी कैसे मर्दो, पराई नारी पर नजर डालते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तेरे चेहरे में कुछ बदलाव सा नजर आ रहा है। वो क्या है ना,
सारी मर्दानी निशानियाँ हटा दी हैं। 7 o'clock ब्लेड से शेव करके सारे जिस्म के बाल भी हटा दिए। अब मैं कैसी दिख रही हूँ? ये तेरा लुक कैसा है? तुम्हारी मुझे भी मुझे बहुत खलने लगे हैं। तुम समझते नहीं हो ना, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ आईब्रो का शेप चेंज करवाने। चलती हूँ, टाटा। अरे यार, आईब्रो शेप मर्द लोग भी करवाते हैं क्या? अबे चुप। क्या मालूम? ओ भाई, जरा सुनो भाई, भाई भाई भाई, मुझे गांधीनगर जाना है भाई, आप लोगों को पता है, जरा एड्रेस तो बताओ ना मुझे भाई। एड्रेस? हाँ, एड्रेस बता दे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इस शहर का चप्पा चप्पा का एड्रेस जानने वाला एक ही आदमी है, वो देखो वहाँ है। वो रहा, वहाँ है, जा उससे पूछ ले। ए भाई, आप लोग मुझे एक बात बताइए, उसके गले में रुमाल बंधा हुआ है, वो तो मुझे कोई भाई जैसा लग रहा है, आप मिलवा दीजिए ना। मिलवा दूं? हाँ। ओ बाला भाई, इस महाशय को यहाँ का एड्रेस चाहिए, तुम बता दो ना, ये वहाँ पहुँच जाएगा। हो गया ना? थैंक यू भाई, जरा मेरा सूटकेस पकड़िए, मैं चश्मा लगा लूँ। हाँ, लाइए दीजिए। चलो जाओ। निक्कर वाले भाई, निक्कर वाले भाई, निक्कर वाले भाई, निक्कर वाले भाई, नमस्ते भाई, मेरा नाम सस्पेंडेड है। अच्छा, याद रखने वाला नाम है। हाँ जी, बहुत अच्छा नाम है। जी, कहाँ से आया तू? मैं भिंडी बाजार के बाजू में, चोर बाजार है उसके बाजू में, चिंदी बाजार से आया। जाना कहाँ है? गांधीनगर के घड़ियाल हाउस के भंगार गली में। वहाँ जाएगा घड़ियाल में टाइम देखने के लिए? नहीं जी, वहाँ पर एक चौकरी है, मैं उसे ही देखने के लिए जा रहा हूँ। तू फिक्र मत कर, सही जगह पहुंचा दूंगा। हाँ जी। चल, तुझे मैं सही रास्ता बताता हूँ। हाँ, चल। ये क्या लटक रहा है? रेलवे ब्रिज से अभी अभी खरीदा है 15 rupees में, उसके साथ ये फीता भी फ्री में मिला है। जो लटक रहा है, टेस्ट बहुत बढ़िया है। बहुत जल्दी है, एड्रेस बता दो। बैठ जा। हाँ जी, बैठ जा, बताता हूँ। हाँ, बैठ रहा हूँ। हाँ जी, देख। हाँ जी, यहाँ से सीधा जाने का, जी। फिर राइट में मुड़ जाने का। जी, क्या आएगा? राइट आएगा, आपने कहा। तू क्या अभी नहीं भाई? राइट में पूरा नहीं जाने। अच्छा। का बीच में एक गली है। अच्छा, वहाँ मुड़ जाना। हाँ, मैं समझ गया। उसके आगे एक नाला है, बहुत गड़बड़ वाला रास्ता है, करके आगे जाना, सामने एक रास्ता है। समझ गया? समझ गया जी। ठीक है, उसके बाद पीछे आने का, आ गया जी। लेफ्ट में मुड़ने का, मुड़ गया जी। फिर पीछे पीछे आने का, जी, आ गया। वहाँ से फिर सीधा ऐसे, ऐसा ही गया। वही तो जगह है। हाँ, ये जगह है। ये सामने तुझे मॉल दिख रहा है? देख रहा हूँ जी। वो क्या है समझा? नहीं, वो बिरला टेम्पल है। मैंने बिरला टेम्पल का एड्रेस नहीं पूछा, जहाँ बिरला है। बिरला नहीं है, वो जहाँ पहले थे वही है। ऐसा है क्या? जैसे जैसे उनके पास दौलत बढ़ती गई, तब उसने बनाया था। अब क्या वो मिनिस्टर बन गया है जी? तुझे क्या करना है? पहले हाथ जोड़ कर प्रणाम करो। गोविंदा गोविंदा, ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही रहूंगा जी। समझ में आ गया? आ गया जी। समझ पहुंच गया? पहुंच गया जी। अब देख, लेफ्ट मुड़ गया जी। लेफ्ट से राइट में आ गया जी। फिर लेफ्ट मुड़ गया जी। अब राइट में चला जा। चल गया जी। से फिर इस तरफ गली में मुड़ गया जी। वहाँ से फिर सीधा ऐसे आने का, फिर इधर मुड़ जाने का, तू यहाँ पहुँच गया। यही है भंगार गली सेंटर। अच्छा, भंगार गली सेंटर पहुँच गया। उसके सामने शमशान, वहाँ तो भूत। तुम्हें वहाँ रहना है क्या? नहीं नहीं, मुझे जीना है जी। तुम्हें जीना है ना? जीना है। यहाँ तक तो तू पहुँच गया ना? मैं वहाँ से कहाँ जाऊँ जी? अरे ये क्या है बे? क्यों बे? मैंने तुझे 1 घंटे से सारे रास्ते सारी गलियाँ बताई, घड़ियाल बिल्डिंग के बाजू में पहुँचा दिया, फिर भी पूछता कहाँ जा? अरे नहीं, मैं वहाँ से कहाँ जाऊँ ये पूछ रहा हूँ। कहाँ से? घड़ियाल वाली बिल्डिंग से, भंगार वाली गली में। घड़ियाल वाला भंगार गली में सामने। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा वहाँ वेटिंग कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ जी। जरा रुक, आप उनका चार्ज निकाल। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या नहीं, नहीं है जी? क्या का नहीं है? किस ले रहे हैं? मारा। और मैं चार्ज आपको किस बात के लिए दूं? ए, इस एड्रेस के लिए अगर तू टैक्सी में घुमा होता तो 440 rupees होते हैं। मैं सिर्फ 100 rupees मांग रहा हूँ, तो नहीं कह रहा है? किस लिए? अरे भाई, नहीं कर, बहुत हो गया भाई, रुको मैं दे रहा हूँ, 100 है मेरे पास, रख लो तुम। अरे सुन, तू उम्र भर यूं ही भटकता रहता, पर तुझे नहीं मिलता। तू तो सस्ते में ही अपनी जगह पहुँच गया, ये मैं था जो तू पहुँच गया। चल जा अबे। हाँ जी, आपने सही जगह पहुँचा दिया नेकर वाले। क्या अबे, देख लिया ना मेरा कमाल, आ गया रमाल। ए मस्तान, जल्दी तैयार कर, 1 kilo कीमा आ रहा हूँ मैं। विनायक जी, मेरे फ्लावर गार्डन में रहेंगे क्या? देवा विनायक, मुझे अगर स्टेज पर एक बार गाने का मौका मिल गया तो मैं गायक बन सकता हूँ, इसलिए इस बाग का ये फूल आज मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। पता है आज मैंने तुम्हें इस फुलवारी में लाकर क्यों बिठाया है? इन फूलों को देखो, एक एक फूल लड़कियों की तरह खूबसूरत है। मैं यहाँ जब भी आता हूँ, यहाँ की हर कली मुझे बड़े प्यार से देखती है। ये बाग प्यार की निशानी है जो मुझे मेरी माँ ने भेजे हैं। इस बगीचे में जब तक बहार है, तब तक मैं समझूंगा मेरी माँ बहुत खुश है। तभी तो ये फूल मैं तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए
ये फूल तोड़ने की बजाय मैंने ये सारा का सारा बगीचा तुम्हारे चरणों में रख दिया है, जिससे मुझे फूल तोड़ते समय दुख भी ना हो और आप यहाँ पर रहकर खुश भी रहे। ओके, छी स्मोक मत करो यार। तो फिर मैं क्या करूं बता? ए, नमस्ते कर। नमस्ते सर। क्या बात है, कौन हो तुम? मैं श्याम, मुझे आपसे थोड़ा काम है। केबल कनेक्शन लगाना है क्या? नहीं सर, लव कनेक्शन करवाना है। लव? मुझे शर्म आ रही है जी। अरे ओ बीच वाले, लगता है सिटी केबल के स्पॉन्सर आए हैं। तू थोड़ी देर कंट्रोल में रह, मुझे इनसे बात करने दे। बोलिए भाई, आपका कनेक्शन कहाँ लगाना है? वो क्या है ना भाई, पास वाले कॉलेज की अनीता नाम की लड़की से प्यार करता है, फिल्म के दो टिकट भी खरीद के रखे हैं। मेन गेट तक का रास्ता 2 किलोमीटर लंबा है, इतना समय नहीं है। भाई भाई तुम कुछ रास्ता बताओ ना, उसे किसी तरह इसके साथ भिजवा दो बस। तुम क्या कहते हो यारो? दलाली करने के लिए कह रहे हैं। अरे कूल डाउन बाबा, वैसे हमारा असल काम क्या है? समाज सेवा करना ही ना। जूते चप्पल खाते रहो और मजे करते रहो। क्या बोला रहे तू? मैंने समझाया ना। तेरी वजह से मैं चुप हूँ, चल कहीं और चलते हैं। चल चल बेरा, चल बे। चल क्या यार, मूड खराब कर दिया। अरे अरे अरे, मेरा बोर्ड कहाँ लेकर जा रहा है? कहाँ लेकर जा रहा? देख लिया, तू भी कितना अच्छा गा सकती है, मैंने कहा था ना। कांग्रेचुलेशन सिंधु, रात के प्रोग्राम में तुमने बहुत अच्छा गाना गाया यार। इंदु एक बात कहूँ, तू इतना अच्छा गाती है हमें तो पता ही नहीं था। सिर्फ एक ही दिन में तुम कॉलेज के स्टार बन गई हो, हर किसी के जुबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। इस तारीफ का पूरा श्रेय सनी को ही जाता है, उसी का गाना मैंने गाया जो लोगों को बहुत पसंद आया है। अगर वो खुद गाता ना तो प्रोग्राम की बात ही कुछ और होती। कोई बात नहीं, इस साल हमारे कॉलेज के फंक्शन में चाहे कुछ भी हो जाए उसी से गवाएंगे हम लोग, ठीक है ना? ठीक है। यहाँ से वुमेन्स कॉलेज का मेन गेट 2 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो प्रॉब्लम को मैं कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व करता हूँ। अरे यार, हाँ? इस तरह का दिमाग पाने वाला दुनिया में एक ही है, बस मान गया। और नहीं तो क्या। ए, उधर देखना, वांटेड अनीता 3rd BSc श्याम। ए अनीता, उधर तो देख, तेरे लवर ने तेरे लिए बुलावा भेजा है। तुझे देखने के लिए तरस रहा होगा, इसीलिए बुलावा भेजा है। अरे इंदु, ये तो पागल दीवाना लगता है, तू जल्दी जा मिल उससे। इंदु एक मिनट। ओके। ये इतना खतरनाक आइडिया इस्तेमाल करेगा, मुझे पता ही नहीं था। प्यार 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 करते रहने से कुछ नहीं होता है, उसको सक्सेस करने के लिए आइडिया लगाना चाहिए। क्या आप सही कह रहे हैं बॉस, क्या वो आएगी? आपको यकीन है? वो इसे पढ़ लेगी तो जरूर आएगी। नहीं आई तो? नहीं आई तो तुम उस तरफ से जाकर उसे मिलने के लिए तैयार रहना। ये शाम, ये कौन सा तरीका है बुलाने का? अनीता, संगीता टॉकीज में नई फिल्म लगी है, मैंने सेकंड शो के 2 टिकट लिए हैं, जल्दी आ जा। मैं यहाँ से छलांग नहीं लगा सकती। अरे इसकी क्या जरूरत है तुझे, मैंने ब्लैक से टिकट लिए हैं। तुम्हें फिल्म देखने में इतनी जल्दबाजी क्यों है? मैं पढ़ाई छोड़कर नहीं आ सकती। अरे ठीक है, तुम थिएटर के बाहर वेट करो, मैं वहाँ आ जाऊंगी। ओके। सर आपने जो मेरी हेल्प की है मैं उसको कभी नहीं भुला पाऊंगा। भूलना भी नहीं चाहिए। सर एक छोटा सा नजर। छोटा सा ही क्यों, बस ये रख लीजिए। अरे यार, तूने समाज सेवा की बात की थी इसलिए मैंने इसकी हेल्प की, ये पैसे दिखाकर मुझे दलाल साबित कर रहा है, तेरी वजह से मैंने ये काम किया है। तेरी तो पोस्टमैन आ गया, सन्नी को उसकी माने मनी ऑर्डर भेजा होगा, मेरा तो आज मिल जाएगा। तेरा कितना बाकी है? मेरा तो छोड़, तेरा कितना बाकी है? मेरा कितना है तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? चलो चलो देखते हैं। हेलो चलो। ए, लगता है सन्नी का मनी ऑर्डर आया है, चलो यार चलो चलो। ये लो तुम्हारे पैसे। क्यों भाई सनी, सबका सेटलमेंट हो गया क्या? वैसे लगभग तो सब सेटल हो गए। ये ले तेरी चाय और जिमी के लिए दूध। ओके। ये जिमी, ये ले दूध पी। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, समझ में आया कि सबका कर्जा तूने चुका दिया। अरे कुत्ते को दूध पिला रहा है जबकि यहाँ इंसानों को पीने को नहीं मिलता, कैसा इंसान है तू? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तेरा फर्ज बनता है कि मेहनत करके कमा, गांव में रहने वाली अपनी माँ के पास 2-4 पैसे भिजवा, वो करना तो दूर, उसके बजाय उन्हीं से यहाँ पैसे मंगवा रहा है, इसका क्या मतलब है? वैसे एक बात और है, पोस्टल डिपार्टमेंट वाले तुझसे भी कमीशन लेते हैं और तेरी माँ से भी कमीशन लेते हैं, उतना भी अगर बच गया तो 4 दिन की नहीं तो 2 दिन की रोटी तो चल सकती है ना, उसके बजाय 2 दिन वहां पर जाकर तू उनसे मिल के भी आ सकता है और 2-4 पैसे बचत खाते में भी डाल सकता है। तुमने ये तो सोच लिया कि कमीशन कितना कटता है, पर माँ के दिल में मेरे लिए कितना प्यार है ये कभी सोचा है?
ओहो, पोस्टल डिपार्टमेंट वाले को तेरी माँ के प्यार से क्या लेना देना है रे? देखो चाचा, मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं है। पिताजी बचपन में स्वर्ग सुधार गए और पालन पोषण मेरी माँ ने ही किया। अपनी माँ को सुख देने के लिए ही मैं आज यहाँ पर हूँ। यही छोटा सा मेरा सपना है। अगर मेरी माँ ने मेहनत नहीं की होती तो आज मुझे मेहनत करनी पड़ती। मैं नौकरी नहीं करता इसलिए माँ मुझे खर्चे के लिए पैसे भेजती है। कल मैं पैसे कमाऊंगा तो माँ खुश हो जाएगी। चलो ठीक है छोटू, तुम माँ बेटी की खुशी इसी में है कि वो रोज तुम्हें मनी ऑर्डर भेजते रहे, इसमें मुझे क्या लेने देना। आई वॉन्ट 86 रुपीज, दैट्स ऑल। मेरे सिवा दुनिया में तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या? क्यों नहीं मिला है, 86 रुपीज चाहिए मुझे। तुम्हें तो भगवान भी नहीं सुधार सकता। ऐसा मत बोल छोटू, वो बुरा मान जाएगा। हाँ 1 मिनट, ये लो 4 रुपए चेंज। रख लो, तुम्हारे चखने के काम आए। ये भी सही कहा। ए क्वार्टर लेकर आ। सत्यं शिवं सुंदरं ओं मंगलं मंगलं। लव ही जिंदगी है, लव ही बंदगी है। तुझे ढूंढे ये नजर तन मन हम हारे। बस सन्नी एक्सक्यूज मी। यस। तुम्हारा नाम सन्नी तो नहीं? इतनी खूबसूरत लड़की मुझे दोबारा जिंदगी में नहीं मिल सकती। ये चांस मुझे मिस नहीं करना चाहिए। यस yes. सर बताइए ना, आर यू सन्नी? ऑफ कोर्स। वैसे तो मुझे सन्नी बाबू, छोटे सरकार, इन सब नामों से बुलाते हैं। कुछ देर पहले ट्रायल रूम में आप ही गाना गा रहे थे ना? गाना आपने सुना था क्या? सुना था। अच्छा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा होगा तो उस गाने को गाने वाला मैं ही हूँ। मुझे वो गाना बहुत पसंद है सनी जी, फिर से एक बार वो गाना गुनगुनाइए ना। यहाँ गाऊँ क्या? प्लीज। एक्सक्यूज मी। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई मुझसे ना हो जाए। डिंक चक आ। हाय। हाय। Oh, lovely baby. Idiot. Thanks. Oh ho. Hey, Krishna. तुम यहाँ कैसे? कितना दिन हो गए बेड़ू तेरे को देखे हुए। हाँ ठीक है। इस नॉनसेंस फेलू का नाम है कृष्णा। जैसी नीच हरकत है वैसा दिखता भी है। चल बेड़ू, चाय पी के बात करते हैं। नहीं यार, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। बस मिस हो जाएगी। बस मिस हो जाएगी या बस में जाने वाली पोटी मिस हो जाएगी? ए कृष्णा, एकदम पटाका है रे, बिल्कुल हॉट केक, मजा ले ले। ए क्या यार, सुधरा नहीं अभी? आज भी तेरी वही मेंटेलिटी है। अरे उसके बिना लाइफ में क्या मजा आ रहा है। हाय चिकनी। ओके निकल निकल। ए तेरी शादी फिक्स हो गई, तूने बताया क्यों नहीं? वैसे सोचा था कि वेडिंग कार्ड छपने के बाद ही बताऊंगी। ये क्या बात हुई, कम से कम मुझे तो बता सकती थी ना। अरे तेरे बगैर शादी हो सकती है क्या? सबसे पहला कार्ड तुझे ही दूंगी। इंदु हाँ? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या? हमारे मैरिज रिसेप्शन में तुझे गाना गाना पड़ेगा। मैं? हाँ, उस दिन अनाथ बच्चों के प्रोग्राम में नहीं गाया था तूने? जाने दे, उस दिन प्रोग्राम में गाना गाने वाले बीमार पड़ गए थे, फिर सनी को ढूंढा और वो भी नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में मैंने गाया। वो मेरे गाने की इतनी इज्जत करती है, आज मैं उसे बता देता हूँ कि मैं ही सन्नी हूँ। वो सब मैं नहीं जानती, तुझे गाना ही पड़ेगा। प्लीज मुझे बख्श दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे गाना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं यार, वो सन्नी को कहीं से ढूंढ कर निकालते हैं, तेरी शादी के रिसेप्शन में उससे गवाते हैं। डोंट वरी।
अच्छा अगर वो सुनने नहीं मिला तो तुम गाओगी ना? चलो ठीक है। इडियट, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे साथ बदतमीजी करे? मैंने? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुझे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, किसी के साथ भी कुछ भी कर लोगे? ये तो बताओ मैंने किया क्या? ओए वो क्या बताएगी, तुमने सबके सामने से छेड़ा है, हमने नहीं देखा है क्या? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? जब देखो लड़कियों को छेड़ते रहते हो। कैसे कैसे लोग गाड़ी में आ जाते हैं, चलो तुम नीचे उतरो। चलो चलो नीचे चले आते हैं सब। मवाली घर का करतार, एक स्ट्रॉन्ग सुपर डस्ट चाय, मुझे कड़क मलाई मार के खाली दूध की। सुनो, मुझे असली दूध की कॉफी चाहिए, थोड़ा सा भी पानी मत मिलाना, अच्छी नहीं लगती। जिसको जो भी चाहिए यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, लेकिन पहले रोकड़ा निकालो। अकाउंट में लिख लेना। लिख लिख के पूरी किताब खत्म हो चुकी है भाई, अकाउंट नीचे नहीं आ रहा है। पैसा दोगे पलाई मार के भी दूंगा, कॉफी भी दूंगा। रोकड़ा देकर चाय पीनी होगी तो तेरा ही होटल है क्या? इससे तो अच्छा है हम लोग कामत होटल में जाकर चाय पियेंगे, क्यों रे? वाह रे वाह वाह वाह, उधार पीने के लिए मेरा होटल, रोकड़ा देके पीने के लिए कामत होटल, कैसे लोग हैं यार। अरे ये बहुत जिद्दी है, ऐसे नहीं देगा। सन्नी को बुलाते हैं, काम हो जाएगा। ए सन्नी, सन्नी! इधर आ। क्या यार ये जवाब नहीं दे रहा। क्यों रे सन्नी, आ क्यों नहीं रहा? सन्नी कुछ सोच रहा है, तुम लोग शांत नहीं रह सकते? सोच रहा है, तुझे कैसे मालूम रे? ये समझने वाला दिल मेरे पास है। एक बार इंसान किसी को दिल दे देता है तो वो दिल ही दिल में बात करने लगता है। एक दिल वाला ही उसे समझ सकता है, एक दिल वाला ही जानता है कि एक दूसरे दिल वाले के दिल पे क्या बीत रहा है। अरे ये हमको पागल कर देगा यार। अरे मेरी बात सुनो, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, दो स्ट्रॉन्ग टी दे दो यार और हमें बचा लो प्लीज। छी, जिसके सीने में दिल ना हो वो जानवर से भी बदतर होता है। छी, क्या? सच्ची हमारी इंदु कविता भी लिखती है क्या? तू एक अच्छी सिंगर ही नहीं, अच्छी राइटर भी है यार। आशा भूमि मैगजीन में आना बहुत बड़ी बात है। आंध्र भूमि घटाओं में तुम्हें देखा है, सपनों में तुम्हें पाया है। इंदु, हम सबके तरफ से तुम्हारी इस खुशी के मौके पर एक जोरदार पार्टी करेंगे हम लोग सब मिलकर। सॉरी यार। क्या? आदे। सॉरी। अरे, मैं उसे देखने की कोशिश कर रही थी। ओके। वाह 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 वाह, क्या गाना गाया है भाई। भगवान ने तुम्हें सुरों का अमृत दिया है, ये पंडित तुम्हें स्पेशल चाय पेश कर रहा है, पियो। स्पेशल चाय हमारे लिए नहीं, तुम लोगों को सुलेमानी, सुलेमानी विदाउट सुगर विदाउट मिल्क। अरे हमें वो ही दे दो, लेकिन हाँ। जल्दी दे दो। हाँ। ए, तुम लोगों का लीडर कौन है? माधुरी, यानी कि मैं, और कौन? बहुत चर्बी चढ़ गई है, इज्जत से बता दो तुम लोगों का लीडर कौन है? अपने आप को तिस्मार खा समझता है, कौन है जो मेरी बहन से प्यार करता है? उसका नाम पता बता मुझे। नहीं बताएंगे तो क्या कर लोगे? चाय की हंडी को बाहर फेंक दोगे, सारे समोसों को बाहर फेंक दोगे, कुर्सियों को तोड़ दोगे, सारे होटल को तोड़ फोड़ के सर्वनाश कर दोगे। ठीक है, तू अगर एक बाप की औलाद है तो इस होटल का सत्यानाश कर दे। ए, तू क्या? तुम चुप रहो ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, हम साथ साथ हैं। प्यार है। देखो ठाकुर साहब, इस होटल का मालिक मैं हूँ, इस ग्रुप से मुझे कोई लेना देना नहीं है। करतार, लीडर मैं ही हूँ। देखिए, आपकी लड़की उस लड़के से प्यार करती है, दोनों शादी करना चाहते हैं। अगर आपने शादी से इनकार किया तो आपकी लड़की जान भी दे सकती है। दो प्रेम करने वालों को जुदा करने से कुछ नहीं होगा, उनकी शादी करा दीजिए, इसमें बुरा क्या है? वो मेरी लड़की है, मैं सोचूंगा, मेरी मर्जी के खिलाफ अगर वो शादी करेगी तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। वो किधर है बे? ठाकुर साहब, मेरा कहना मान लीजिए, उनकी शादी करा दीजिए,
दो दिलों को तोड़ना पाप होता है। ए, वो लड़के का घर किधर है पूछा तो भाषण देने लग गया। किधर है उसका घर? धक्का क्यों मार रहा है? बता बता बे। नहीं बताया तो क्या कर लेगा? काट डालूंगा। ए, तमीज से बात कर। काय की तमीज बे? ये उस लड़की की मर्जी से उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी करवा के उससे जिंदगी देना चाहता है और तुम उसके खिलाफ जाकर उसे जिंदा लाश बनाना चाहते हो। कैसे इंसान हो तुम लोग? क्या बे साले, तू कौन है? इस एरिया का दादा है क्या? हाँ हाँ क्या बे? बोल। ए, जिस किसी ने भी मेरे पर हाथ उठाने की कोशिश की है उसे हमेशा के लिए गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है मैंने। आउट आउट। अबे निकर। ए, सारे गांव में अकेला मैं ही हूँ। मेरे निकर को हाथ लगाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। ए, अपनी निकर निकाल कर दे, मुझे मेरा पसीना पोंछना है ला। ए, आया बड़ा निकर वाला भाई, निकर वाला। गुरु गुरु गुरु, क्या बात है, आज अपना चेहरा छुपा के जा रहे हो? सॉरी, मैं नहीं हूँ, कोई मुझे आवाज दे दो। आज के दिन नहीं पीने का फैसला किया मैंने। रहने दो गुरु, ना मैं इसे मान सकता हूँ ना इसे छोड़ सकता हूँ। अरे पेट भरा हुआ है मेरा, पीढ़ी को तरसने वाला इंसान तेरा मेरा रिश्ता क्या है? मेरा ऊंचा खानदान है, भरपूर परिवार है, उससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है? रे हा? कोई बात नहीं है, तुम अपने आप को सुधारना चाहते हो तो मुझे क्या तकलीफ है। गुरु ये बोतल खुल नहीं रही है, तुम ढक्कन खोलने में एक्सपर्ट हो ना, जरा इसे खोल दो ना। गुरु नहीं खोलूंगा। भीम की तरह बलवान हो तुम, क्या फर्क पड़ता है, जरा खोल के दो ना गुरु। क्यों रे तू मेरी अग्नि परीक्षा ले रहा है? अबे बोतल के ढक्कन क्यों भाई, ये बोतल का ढक्कन स्लिप हो गया है क्या? हाँ गुरु। तो फिर इसे इस तरह से पकड़ना चाहिए, नीचे से दो फटके, ऊपर से दो झटके, उसके बाद फिर इस तरह इसको घुमाओ। खुल गया। ये क्या है, कोई फाइव स्टार होटल खुल गया? जो खुल गया चिल्ला रहा है पागल कहीं का। ले पकड़ इसे। गुरु गुरु एक एहसान और कर दो ना, थोड़ा साथ दो ना गुरु। कोटेश्वर राव की बार पत्थर की लकीर होती है, दैट्स ऑल। सेट सेट सेट, आज के दिन हम सब यूनियन वाले हैप्पी डे मनाएंगे। क्या बे? आज मैं नहीं पी रहा हूँ तो किसी और का नशा क्यों खराब करा तू, ब्लडी बेवकूफ। यार ग्लास दे ना। हाँ। अरे कोई बात नहीं, मैं अकेला ही पीऊंगा यार। माँ
बचपन में तू जो गाना गाती थी वो मैं आज भी नहीं भूला हूँ। मैं एक अच्छा गायक बनूँ इसके लिए वही गाना सहारा है। वही गाना यहाँ गाया तो एक लड़की ने उसे बहुत सराहा और अपने सर आंखों पर रखा। उसका नाम है इंद्रा, लेकिन उसे नहीं पता कि वो गाना मैंने ही गाया है। और जब भी मैं उसे ये बताने जाता हूँ तब कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घट जाती है और मुझ पर मुसीबत आ जाती है। जब तक उससे पहचान होगी तब तक लगता है बहुत देर हो जाएगी। खैर जो होगा देखा जाएगा। तुमने जो पैसे भेजे हैं वो मुझे मिल गए। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना। तुम्हारे जवाब के इंतजार में तुम्हारा बेटा सनी। क्या सनी, मनी ऑर्डर है क्या? मनी ऑर्डर आता है तो मुझे बख्शीश देते हो, भेज रहे हो तो मुझे नहीं दोगे क्या? क्यों नहीं दूंगा, पैसा ही चाहिए ना। अरे रहने दो बेटा, ये क्या चिट्ठी लिख रहे हो? मैं पोस्ट कर देता हूँ, तुम मनी ऑर्डर कर दो। ओके। तुम्हारी राह देख रही थी। लेकिन मेरी राह क्यों? कांग्रेट्स करने के लिए। नहीं समझी क्या? इस साल भी कॉलेज में तुम ही फर्स्ट आई हो। थैंक यू मैम। तुम इसी तरह मेहनत करती रहोगी तो फाइनल एग्जाम में यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट आओगी। अब आगे क्या करोगी? डॉक्टर बनना चाहती हो? नहीं मैम, मुझे यही IAS की पढ़ाई करके कलेक्टर बनना है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें जो भी किताबें चाहिए तो तुम मुझसे आकर ले लेना। थैंक यू मैम। लेकिन इसके लिए और क्या करना पड़ेगा मैम? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। उसके बाद क्या हुआ? आप इंदू से मिले क्या? तो ये बात आपने इंदू को क्यों नहीं बताई? उसके बाद आप इंदू को कहाँ मिले थे सर? आज बहुत दिनों के बाद मैं इंद्रा को देख रहा हूँ। जब भी उसे बताने जाता हूँ कि मैं ही सनी हूँ तभी कुछ न कुछ अनहोनी घटना घट जाती है। ऐसा कुछ करो कि आज कोई अनहोनी घटना ना हो। हाँ कहिए। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे? कहिए, मैं जरूर करूंगा। मुझे जरा सड़क पार करा दो, मुझे दिखाई नहीं देता इसीलिए कह रही हूँ। मतलब तुम्हें दिखाई नहीं देता? जी हाँ। मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो? मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आई एम ब्लाइंड। कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिसकी आंखें ना हो वो झूठ क्यों बोलेगा? कॉलेज के लैब में किसी गुंडे की वजह से एसिड की बोतल फटने से मेरी आंखें चली गई।
नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो गया? ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बीच रास्ते पर कैसे चल रहा है? मरने का इरादा है क्या? हे हे तू, अरे हटो भाई। सनी कैसा होगा पता नहीं। डॉक्टर, डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं, नर्स हूँ। वो बताना जरूरी है क्या? पब्लिक गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया था, उस पेशेंट का रूम कौन सा है? 106। ये जरूरी था। पूरी की पूरी बॉटल टुकड़ों में बिखरी पड़ी है, तेरे टुकड़े किसने किए हैं सनी? सॉरी सर, मैं गलत कमरे में आ गया। रूम नहीं बदला, आदमी बदल गया है। तुम चिंता मत करो, सनी को कुछ नहीं हुआ। सनी को कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें कैसे मालूम? जिस गाड़ी से सनी का एक्सीडेंट हुआ था ना, वो मेरी ही थी। क्या कहता साले, एक्सीडेंट करने के बाद भी तू यहाँ आकर आराम से बैठा था? सनी का क्या हुआ होगा? कहाँ है वो, बता मुझे कहाँ है। चाचा जी क्या कर रहे हो तुम, रुको। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी तू फुल बॉटल की तरह खड़ा हुआ है, और जिसने एक्सीडेंट किया है वो तो एक क्वार्टर में बदला पड़ा है। ओए भगवान, इस कंफ्यूजन ने तो मुझे पागल बना दिया है। अब मुझे यहाँ क्वार्टर कौन पिलाएगा भाई? अरे अरे बाप रे, जब देखो क्वार्टर और हाफ की बात करते हो, यहाँ भी पियोगे क्या? शट अप। क्या हुआ था पता है? मेरी गाड़ी के सामने सनी चला जा रहा था, मैंने ब्रेक लगाए और इसने जंप लगा दी। ये तो बच गया, लेकिन इसके दोस्तों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी ये हालत कर दी, और मैं यहाँ पहुँच गया। अबे, तूने भी मारा क्या? ठीक, मैं क्यों मारूंगा, गले लगाकर मैंने तो पप्पी दी। वो क्या है ना चाचा जी, सनी के एक्सीडेंट होने के बाद सनी को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाने के बजाय ये भाई साहब बोले ही इज ऑल राइट, हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने दे दिया रख के। इससे कुछ नहीं हुआ, मैंने टेस्ट कर लिया था। अच्छा तूने की टेस्टिंग, वैसा टेस्ट करना तुझे आता है क्या? मैं डॉक्टर हूँ यार। तुम डॉक्टर हो? ये हॉस्पिटल भी मेरा है। सनी, ये बिना सर पैर की बातों से मेरा दिमाग पक गया है। 86 रुपीस निकाल। जहाँ देखो भीख मांगता रहता है। मुझे हाथ लगाने के लिए किसी ने कहा तुझे? 86 रुपीस। चलो बाहर चलो, तुम्हें क्वार्टर नहीं, खंभा देते हैं। चलो। सॉरी डॉक्टर, ये मेरे दोस्तों का प्यार है मुझ पर, जिसकी वजह से उन्होंने ये गलती की, उन लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इट्स ऑल राइट, चलता। मुझे आप लोगों के साथ कैरम नहीं खेलना है। क्यों, क्या हुआ तुझे? खेलने के लिए और कोई खेल नहीं है क्या? ये कोई खेल है? और कोई खेल खेलेगा? क्या खेलेगा तू? मैं छुपती हूँ, तुम लोग ढूंढो, हम लोग लुका छुपी का खेल खेलते हैं, वो अच्छा रहेगा। इतना अच्छा खेल छोड़कर तुम लोग ये खेल रहे हो? अरे सन्नी, तुझे और तेरे दोस्तों को ये आजकल आवारा समझ रही है यार। माँ, जब मैं इंदिरा को ये बताने गया कि मैं ही उसका सन्नी हूँ, तब मुझे इस बात का पता चला कि मेरे कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। इंदु को मेरे गाने पर अभिमान था, आज मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जाने अनजाने मैं ही उसका जिम्मेदार हूँ। जैसे भी हुआ, हुआ मेरी वजह से, मैं उसकी बर्बादी का जिम्मेदार हूँ, और मैं इसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। मैं छुपती हूँ। चुप तेरी को। उस दिन तो 1.5 फीट का चाकू लेकर आए थे, आज 90 फीट का तलवार लेकर आए रे। सन्नी, उस दिन मैं तुम्हें अपने गुंडों के साथ मारने आया था, लेकिन आज उस दिन की गलती के लिए मैं माफी मांगने आया हूँ। जब इंसान को अपनी गलती के लिए पश्चाताप होता है, तो उसे माफी मांगने की क्या जरूरत है?
डैडी पहले मेरे प्यार को स्वीकार नहीं कर रहे थे, आज आप ही की वजह से स्वीकार किया। बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है सर। आप हमारी शादी में आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा, मौका मिलेगा तो अपना बच्चा समझकर आशीर्वाद भी देंगे। छी, शादी से पहले ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ। शादी कर लो, उसके बाद हम तुम्हारा साथ देंगे। हाँ वही वही, पूरा साथ देंगे। इतना ही नहीं, शादी के रिसेप्शन के दिन सनी से गाना भी गवाएंगे। मेरा ऑर्केस्ट्रा। थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर आएंगे। नमस्ते। 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 चल बेटा। तूने देखा ना मेरा मास्टर ब्रेन, शादी के दिन किस तरह मैंने तेरे गाने का प्रोग्राम फिक्स करा दिया। मैं नहीं गाऊंगा। अभी तक तो तू गाने के लिए मौके की तलाश कर रहा था, अब तुझे क्या हो गया? मेरा मन ठीक नहीं है। आज तक जब भी तू गाना गया तेरा मन ठीक था क्या? आज जब गाने का अच्छा मौका मिला तो तेरा मन ठीक नहीं है? देख यार, तुझे गाना होगा, उनकी शादी में हम लोग सब चलेंगे और तुझे गाना गाना होगा, समझा? थैंक यू। हाय, कांग्रेचुलेशंस। हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूं। बाकी सब ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आई एम फाइन, हाउ आर यू? हां, आई एम फाइन। हां यार, क्या करें, बहुत दिनों के बाद में। ए सुनो, उसे गाने के लिए बोलो ना। वो गाएगा, तू चुप रह। अच्छा ये बात है। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। गाने के लिए बोलो ना। वो गाएगा, बोला ना तो चुप रह। ये गाना क्यों नहीं गा रहा है? गाएगा, मैंने कहा ना। बरातियों का सारा मूड खराब हो रहा है और ये है कि चुपचाप खड़ा है, इसे गाने के लिए बोलो ना। बहुत अच्छा गाता है लड़का। दादी माँ, मुझे इसके पास ले चलिए। बेटा, बेटा। हाँ? मेरी पोती तुमसे कुछ बात करना चाहती है, थोड़ा वक्त दोगे बेटा? वो आ रहा है। नमस्ते सनी जी। नमस्ते। मेरा नाम इंद्रा है, मैं यहाँ आपके पड़ोस में ही पढ़ती थी। मैंने आपको कई बार मिलना चाहा, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। मेरे पिताजी संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे, इसीलिए मुझे भी बचपन से संगीत का बहुत शौक है। जब भी आपका गाना सुनती हूँ मैं अपने आप को भूल जाती हूँ। सनी जी, मैं बस आपको देखना चाहती थी। मैंने देखने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं देख पाई, और आज आप मेरे इतने पास हैं लेकिन मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती। एक एक्सीडेंट में मेरी आंखें चली गई। आपको देखना मेरी किस्मत में ही नहीं था, फिर भी आपसे मुलाकात हो गई। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। हमारे घर में आपको एक बार जरूर आना होगा। आएंगे ना? हाँ। ए सर, ए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है? इंदु कहाँ रहती है पता चल गया है, उसका पूरा एड्रेस मैंने ले लिया है, मिल गया है। इंदु का एड्रेस मिल गया है। कहाँ रहती है इंदु? कहाँ पे रहती है उसका पूरा पता हमने लगा लिया है, इंदु का एड्रेस मिल गया है। वो अपनी दादी के साथ एक किराए के मकान में रहती है। इंदु के माता पिता नहीं है, वो अपनी दादी के साथ रहती है। उसके पिताजी बहुत बड़े संगीत विद्वान थे, वो बहुत बड़े ऊंचे खानदान की है। इंदु कन्या राशि की है, वो फूलों की रानी है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है सनी। ओके ओके ओके, अब ये बकवास बंद करो, तुम लोग ये काम संभालो, मैं इंदु से मिलकर आता हूँ। अरे रुक जाओ सनी, देखो कैसा भाग रहा है। हमने बताकर गलती की, अब ना हम उसको बताते और ना वो भागता। हाँ यार, प्यार की कशिश कैसी होती है देखना, वो बारिश में भी भाग के चला गया। हम लोग चले क्या? हम लोग चलेंगे तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे क्या? होते हैं तो हो जाए। ओहो ठीक है, फॉलो मी। ए बढ़िया, तू इस गलत फहमी में मत रहना, मैं तेरा सारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा तो यहाँ पर तुझे कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। अगर तूने किराया नहीं दिया तो फिर क्या हो सकता है ये तू जानती है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, वैसे भी तू हमसे बहुत कुछ ले चुका आज तक। तेरा बुरा हो नास पिटे, तू बर्बाद हो जाए। क्या कहा बुढ़िया, बर्बाद हो जाऊंगा? क्या बेअक्लो जैसी बातें कर रही है, मुझे तूने क्या समझा है? इंदु, मैं सनी हूँ। क्या सनी है? सनी मतलब मैं छोटे से कुत्ते का बच्चा समझा था। इतने लोग यहाँ पर गूंगे बनकर खड़े हुए हैं, तू इतनी हिम्मत करके अंदर आ गया, इसका मतलब तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ।
कौन है बे तू? इन लोगों का रखवाला हूं। यार ऐसा नहीं लगता इसको कहीं देखा है। गॉड दिल्ला। दादी माँ प्रॉब्लम क्या है? मकान मालिक का आदमी है, भाड़े के लिए आया है। मैं बैंक से 2 दिन का खर्चा और किराया निकालने के लिए गई थी, लेकिन बैंक बंद हो गई। जब लौट कर आई तो इंदु बाथरूम में नहा रही थी और ये खड़ा देख रहा था। ए बुढ़िया, झूठ बोलती है तू। नहाते समय इसे मैंने कहाँ देखा? ये तो नहा के बाहर आकर जब कपड़े बदल रही थी तब मैंने इसे देखा। वैसे वो पूरी मुझे कहाँ दिखाई दी? ब्लाउज का हुक लगाते हुए मैंने उसे देखा। दादी माँ किराया कितना है? 2000 रुपए बाकी है। ये लो पैसे। सनी जी हमारे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? ये क्या कोई पूछने वाली बात है मैडम? ये सब तो सनी के लिए मामूली बात है। ये पैसे तो सनी के बंगले में झाड़ू पोछा लगाने वालों की पगार से भी कम है। हाँ। यार, हाँ। ओहो, इतने बड़े दौलतमंद होकर इस गरीब को सिर्फ 2000 रुपए दे रहे हो? ना इंसाफी है। तुम्हारी जगह मैं होता तो इन गरीबों को घर खरीद कर दे देता। बेचारों की किस्मत खराब है। सनी यहाँ कुछ मत करना। ए बुढ़िया, जब देखो तब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है ये बोलती रहती हो। अरे पोती तो है ना, उसे दे दो मुझे। सनी कुछ मत करना। तुम्हारी पोती देख नहीं पाती है इसलिए तुम मुझे दामाद बना लो, सब ठीक हो जाएगा। इंदु को अब तेरे बारे में कोई बात गलत नहीं लगनी चाहिए। तुम मुझे अगर अपना दामाद बना लोगी ना बुढ़िया, तो ये किराए के झंझट से मुक्त हो जाओगी। ए, ये घर की प्रॉपर्टी है वो कुर्सी यार, थोड़ा संभल के यार। ए बुढ़िया, तेरी उम्र तो हो चुकी है पर अकल नहीं है। दोबारा तू मार्केट जाएगी, थोड़ी लेट आना, इधर में तेरी पोती के साथ। सनी, सनी, सनी आप कहाँ हैं? थैंक्स सनी, आपने अपने स्टेटस के मुताबिक बहुत समझदारी से काम लिया है। आप अगर उसके पैसे के साथ साथ उसी की तरह उसे जवाब देते तो मुझे शायद और खुशी होती। इंदु क्या कहा तुमने? ईंट का जवाब पत्थर से देते तो और अच्छा होता। बस यही तो सुनना था मुझे। Yeah.
क्या कहा था तूने? बोल क्या कहा था? बोल क्या कहा था? मुझे मत मारो। आज के बाद तू किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अरे यार, हाँ, सन्नी की आंखों में इंदु का खूबसूरत चेहरा तूने देखा क्या? अरे यार, पहेलियां मत बुझा, साफ बताना। जरा सोच यार, शादी तो उसकी हुई नहीं है अभी तक, दोनों के बीच में रिश्ता भी नहीं है, एक दूसरे को सिर्फ जानते पहचानते हैं, फिर भी उसने उसके घर के भाड़े का 2000 रुपया चुकाया। इस बात पर गौर किया जाए तो सन्नी उस लड़की से जरूर सच्चे दिल से प्यार कर रहा होगा, मुझे डाउट है यार। डाउट करने से तो अच्छा यही है, तू जाके सन्नी से डायरेक्ट पूछ ले। सन्नी से पूछने जाऊंगा तो बताएगा नहीं यार, वो सारी बातें अपने दिल में रखता है। अबे यार, हाँ, ये क्या, मुझे लगता है कोई तेरी जान पहचान वाली आ गई है। अबे गधे, वो तेरे लिए होगी। हाँ, तो फिर चल पता लगाते हैं। इस तरह क्या देख रहे हो, तुम्हें मुझको इस हालत में नहीं देखना चाहिए, जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है, जानवरों के अस्पताल से तू कब आया पता नहीं चला। अबे दरिद्र, ये टॉवेल इस तरह क्यों लपेटा है? छी, ऐसी बातें मत करो, मुझे शर्म आती है। छी, ए तेरी तरह। छी, छी, इसे क्या हो गया यार? ये नस्ल मेल की है कि फीमेल की है मुझे पता ही नहीं चलता। इसकी बॉडी के हार्मोन्स फिल्म स्टार की स्टाइल की तरह रोज रोज चेंज हो रहे हैं। ऐसे पता नहीं चलेगा, हमें अर्जेंट में किसी डॉक्टर से इसका चेक कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर को हम दोनों पर शक हो गया तो? अरे सन्नी आ गया, हो गया, दरवाजा खोल। ये दरवाजा भी बड़ी मुश्किल से खुलता है। सन्नी जी का घर यही है ना? यही है जी। ये घर नहीं है, ये तो उसका बंगला है। आइए आइए, अंदर आइए। आप लोग सन्नी जी के फ्रेंड हैं? हाँ हाँ, पुराने मंदिर के पास का बंगला उसने बेच दिया, आपने अगर खबर की होती तो आपके लिए कार भेजवा देता था। कुत्ता? कोई बात नहीं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको नहीं काटेगा, उसे हमने सब चीज सिखा दिया है। इस बंगले में कुल मिलाकर 22 कुत्ते थे और सारे कुत्तों से सन्नी बहुत प्यार करता था। आइए आइए, बैठ जाइए, यहाँ कुर्सी है, बैठिए बैठिए। वाह शाबाश, एक नहीं दो दो डाबर का है ना? हाँ, डॉबरमैन, डॉबरमैन कुत्ता मर गया कह रहा था। आ, उसके भौंकने की आवाज से कान के बदले फट जाते थे। ये कौन सा कुत्ता है जो अजीब तरीके से भौंक रहा है, कौन सी नस्ल का है? ये कौन सी नस्ल का कुत्ता है हमारी समझ में अभी तक नहीं आया। सनी जी नहीं है क्या? सनी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में गया है, अभी आ जाएगा। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, एसी ऑन करूं क्या? इसीलिए हमने एसी प्लांट फिट किया है, इस घर के सेंटर में एसी फिट किया है, पावर का कनेक्शन देने वाला हॉस्पिटल में एडमिट है। जस्ट अ मिनट, कुत्तों को बांध कर आता हूँ। चल चल, क्या कर रहे हो यार, इतनी ओवर एक्टिंग। सनी जी को आने में देर हो जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में गया, अभी आ जाएगा बस। सनी जी बहुत अच्छा गाते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, गाना गाना तो उसकी सिर्फ हॉबी है, सन्नी एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, ये बात किसी को पता नहीं है। मुझे तो इसने बताया तब पता चला। जरा रुको, मैं उसे फोन लगा कर बात करता हूँ। हेलो, ब्रांच ऑफिस है क्या, MD साहब है क्या? हाँ, हेड ऑफिस में गए हैं। ठीक है, मैं हेड ऑफिस फोन लगा के बात करता हूँ। हेलो लता, मैं बालू बोल रहा हूँ, MD साहब है क्या? हाँ हाँ, दो दो। हेलो सन्नी, क्या कहा, 5 करोड़ रुपए के बिजनेस की डील चल रही है? हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पर इंदु बैठी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, बहुत देर से बैठी है, जल्दी आ जा। अच्छा आ ही रहा है क्या, ठीक है, सन्नी आ ही रहा है। आप सन्नी जी के ऑडिटर हैं क्या? ऑडिटर ही नहीं, पर्सनल सेक्रेटरी, PRO और भी बहुत कुछ हूँ। और मैं मैनेजर। मैं स्टेनो हूँ।
घर बहुत बढ़िया होगा ना? जी हाँ, 24 रूम्स हैं, 12 एसी, 8 नॉन एसी और 4 ऑर्डिनरी, टोटल 24। क्या हुआ? सामने स्विमिंग पूल है, फिसल गए तो पानी में गिर जाओगी। जी हाँ, वैरायटी के लिए स्विमिंग पूल भी बनवाया है सनी ने। ये स्विमिंग पूल में पैर मत डालो, ये कौन है पानी खराब कर रहा है? ये कौन है रे स्विमिंग पूल में पैर धो रहा है? क्या है, मैं थक गई हूँ, हाथ पैर धो रही हूँ। चल नहीं है क्या? चल बाहर निकल। हाँ हाँ निकल रही हूँ बाबा, चिल्लाते क्यों, प्यार से नहीं बोल सकते? ठंडी हो गई। ठंडी हो गई। क्या हो रहा है ये सब, बड़ी देर से फेंके जा रहे हो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम सब। वो क्या है बेटी, असल में आइए आइए कोटेश्वर साहब, इंदु ये क्वार्टर कोटेश्वर साहब ने ना, हाँ नहीं नहीं कोटेश्वर कोटेश्वर साहब हैं, ये स्विमिंग पूल इन्होंने ही बनवाया है, ये खानदानी बड़े रईस हैं। हाँ पूरे एरिया में बहुत बड़ा डिश लगाया है, सुबह भी क्वार्टर, दोपहर में क्वार्टर, शाम को क्वार्टर और हाँ वही क्वार्टर क्वार्टर करके पूरी बाल्टी भर बांटते हैं, बड़े ही दयावान है। सन्नी के चाचा जी मामा जी सब कुछ यही है। बहुत हो गया यार। हेलो। हाँ हेलो बेटा हेलो, उसने कभी तुम्हें अपना टेलीफोन नंबर दिया क्या? यहाँ पर सबके सब ढेर से आने हैं, तुमने इस जगह पर स्विमिंग पूल अभी तक देखा क्या? मैं कैसे देख सकती हूँ अंकल, मेरी आंखें नहीं है। ये लो, बातों बातों में सनी भी आ गया। हाय। हेलो, बोलो क्या बात है, तुम्ही ने मुझे खबर भिजवाई थी ना? मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, सॉरी सनी जी, मेरी वजह से आपको बिजनेस और ऑफिस का काम छोड़ कर आना पड़ा। बिजनेस? ये तुमसे किसने कहा? किसने कहा, ये तुम्हारे दोस्तों ने, ये भाई साहब ऑडिटर हैं, ये भाई साहब मैनेजर और ये आधा तेनो है। इसके अलावा तुम्हारे दोस्तों ने तुमसे मोबाइल पर बात की, तुम्हें पता नहीं चला? मोबाइल? वन मिनट बेटा ऑडिटर साहब, तुम अपना मोबाइल दिखाओ। यही है जनाब का मोबाइल फोन, ये बहुत बड़ा बंगला है, इसके अंदर मैनेजर साहब ये बाल्टी उठाइए, ये तुम्हारा नहाने के लिए बनाया हुआ स्विमिंग पूल है। सॉरी इंदु, इन लोगों ने जो भी कहा वो गलत है, सच कह रहा हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं एक बड़ा सिंगर बनने के लिए हैदराबाद से आया हूँ, मौका ही नहीं मिला, खर्चा चलाने के लिए केबल टीवी में काम कर रहा हूँ। उस दिन पैसे देकर तुम्हारी मदद की थी तो शायद तुम्हें लगा होगा कि मैं पैसे वाला आदमी हूँ, आज तुम्हारे सामने मुझे पैसे वाला बताकर ये लोग तुम्हारे सामने आज भी उस झूठ को मेंटेन रखना चाहते हैं। इन्होंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई, इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, इसमें सॉरी कहने की क्या बात है, मुझसे सच्चाई छिपाने के लिए शायद इन लोगों ने ऐसा किया होगा, आपके दोस्त आपको बहुत प्यार करते हैं ना, शायद इसीलिए नर्वस हो गए। मैं देख नहीं सकती इसलिए मुझ पर सहानुभूति करके मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, जो होना होगा वो होगा ऐसा मेरा विश्वास है। सनी जी, आपके दोस्त आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए किसी से झूठ भी बोल सकते हैं, इनके झूठ को मेरे सामने लाकर आपने जो सच्चाई बताई है उसके लिए मेरे दिल में आपकी इज्जत बढ़ गई है। सनी जी, आपके आसपास कोई किराए का रूम खाली है क्या? क्यों? उस दिन सिर्फ मेरे एक बार कहने पर आपने उस गुंडे की पिटाई की, इस बात से मैं खुश हूँ, लेकिन उस झगड़े की वजह से एक घंटे के अंदर रूम खाली करने का ऑर्डर मिला है। ये घर तो है लेकिन ये बहुत ही छोटा है। जिस इंसान का दिल बहुत बड़ा होता है उसका घर छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ इंदु के घर से सामान लेकर आओ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। देवा, अकेले तड़पते हुए दिल को आज तुमने सहारा दे दिया है, अब उसे मेरे दिल से कभी दूर मत करना। इंदु के साथ जो हादसा हुआ वो मेरे कारण हुआ है, जब तक ये सच्चाई मैं उसे बता ना दूं तब तक संभाल लेना। आज ये सच्चाई बताकर मैं उसे और दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए आज ये बात उसे नहीं बता रहा हूं, जब ये बात उसको पता चले तो वो मुझे माफ कर दे, मैं बस इतना ही चाहता हूं। जब वो मुझे माफ कर देगी तब मेरे जीवन में सुख का सागर लहराएगा, बस इतना कर दो भगवान।
सनी ये लो चिट्ठी, तेरी माँ ने भेजी है। सनी कहाँ है तेरी गैंग? चिट्ठी आई है तो कोई नहीं, मनी ऑर्डर आया तो सब के सब जमा हो जाते हैं। तो उससे पहले मुझ पर टूट पड़ने के लिए तू चिट्ठी पढ़, मैं चलता हूँ। हाँ। प्यारे बेटे सनी को माँ का प्यार भरा आशीर्वाद। मैं यहाँ ठीक हूँ, तू भी वहाँ ठीक होगा, ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ। इंदु के साथ जो हादसा हुआ ये सुनकर बहुत दुख हुआ। तू जानकर किसी का भी नुकसान नहीं कर सकता, ये मैं जानती हूँ बेटा। जो होना था सो हो गया, तेरी वजह से हुआ, ये बात तू उसे मत बताना। तेरे सिवा उसका कौन सहारा है बेटा? उस अंधी बच्ची को तेरी जरूरत है बेटा। जब वक्त आएगा तब सारी सच्चाई पता चल जाएगी, तब तक तुझे खामोश रहना पड़ेगा बेटा। तेरी खुशी के लिए ही मैं कह रही हूँ, तेरी प्यारी माँ। बिंदी लगा लो बेटी। ठीक है दादी माँ। इंदु तैयार हो गई? मैं तैयार हूँ। अरे ये क्या है इंदु, बिंदी गलत लगी है, देखे नहीं लगा सकती थी? गलत क्या सही क्या मुझे क्या पता, मैं तो बस अपने हिसाब से ही तैयार हो गई। देखा आप फिर से भूल गए ना कि मैं देख नहीं सकती हूँ। सॉरी, दादी से कहकर ठीक से लगवा सकती थी ना। रहने दो, उन्हें घर के कामकाज से फुर्सत मिलेगी तभी ना। सिर्फ एक बिंदी ही तो गलत लगी है, उन्हें क्यों बुला रहे हो? आप खुद भी तो सही कर सकते हैं ना। ओके। अब चलें क्या? एक मिनट रुको, अभी आता हूँ। क्या हुआ भगवान, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हारे बाग से इंदु के लिए एक फूल तोड़ा, इसके लिए नाराज हो? सॉरी देवा, मैं इंदु से कितना प्यार करता हूँ तुम जानते हो ना। तुम अकेले ही नहीं, इस बाग के सारे फूल जानते हैं। देखो वो भी कितने खुशी से महक रहे हैं। देवा इस एक फूल के लिए तुम मुझसे नाराज मत होना प्लीज। इंदु खड़ी हो जाओ। क्यों? अरे पहले खड़ी तो हो, इस तरह मुड़ो। लेकिन क्यों? ये गुलाब तुम्हारे बालों में लगाना है। इंदु तो हम चलें? हाँ ठीक है। क्या हुआ सनी जी? एक मिनट दादी माँ। हाँ। यहाँ आओ जल्दी। हाँ हाँ आ रही हूँ बाबा। जरा ऐसे देखिए ना। क्या हुआ बेटा? इंदु का सब कुछ सही है क्या? देखो अब क्या कमी है बेटा, महालक्ष्मी की तरह तो लग रही है। अब तुम ही मुझे बताओ बेटा, इसमें क्या कमी दिखाई दे रही है तुम्हें? मेरे दिल का टुकड़ा है ये। तुमसे जो भी लड़की शादी करेगी ना वो बहुत ही किस्मत वाली होगी, तुम बहुत ही नेक लड़के हो। वो सब तो ठीक है दादी, सब कुछ ठीक है। जरा एक बार देख तो लो ये कपड़े, ये बिंदी। सब कुछ ठीक है बेटा। यहाँ यहाँ पर यहाँ पर। अरे क्या हुआ सनी जी, आप इतनी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? बाहर चलना है। तुमने ब्लाउज कहाँ पर सिलवाया है? जहाँ से हमेशा सिलवाती हूँ। क्यों क्या हुआ? कदे जिनको पेटीकोट सिलना नहीं आता है वो ब्लाउज भला क्या सिलेंगे, आइंदा अच्छे टेलर से सिलाना। लेकिन क्यों? देखो राइट साइड का गला कितना लूज है। अब चले चलो। डोंट वरी इंदु, तुम्हारे बारे में सनी ने सारी बातें बता दी हैं। तुम्हें एग्जाम में बैठने के लिए यूनिवर्सिटी से परमिशन मिल गई है। तुम क्वेश्चन का सिर्फ आंसर दोगी, उसी पर तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। तुम्हारे जैसे अच्छे स्टूडेंट के लिए मैंने इसका स्पेशल इंतजाम करवा दिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे बेटा इसमें थैंक्स की क्या बात है, एक अच्छे स्टूडेंट को उसे उसका इंसाफ दिलाने के लिए मैंने अपना फर्ज निभाया है, बस इट्स माय मिनिमम ड्यूटी। थैंक यू सर। इंदु अब चले। नमस्ते सर। गॉड ब्लेस यू। ये वनीला, ये चॉकलेट। इंदु आइसक्रीम खाओ। एग्जाम्स के लिए
इस हालत में भी परमिशन मिल जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, इसीलिए एक छोटी सी ट्रीट। एग्जाम में बैठने के लिए परमिशन मिल गई, इसके बाद? उसके बाद एग्जाम में पास होने की कोशिश करूंगी। तुम्हारे जैसी होनहार लड़की यकीनन फर्स्ट क्लास पास होगी। हाँ, उसके बाद अच्छी सी कोई जॉब करूंगी। और नौकरी के बाद? उसके बाद उसके बाद शादी ना। लगता है मैंने आपका कप उठाकर झूठा कर दिया। आपके लिए दूसरा कप मंगा दूं? किस लिए? आपके लिए। मुझे ये चलेगा। सॉरी। अरे डॉक्टर साहब आप? अरे तुम तो नाराज हो गए। मैंने तो मजाक में एक्शन किया, तुम रियल में एक्शन में आ गए। भाई पी के तो जोश में आना समझ में आता है, लेकिन आइसक्रीम खाकर ये जोश कैसा? आइसक्रीम में कुछ खास है क्या? सॉरी डॉक्टर, मुझे पता नहीं था कि आप। उस दिन अस्पताल में मुझे ही भर्ती होना पड़ा, लगता आज भी मेरी ही बारी है। वैसे मोहतरमा है कौन? समझ गया, आइसक्रीम में जोश वाला क्रीम कहाँ से आया। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है मैंने सब पढ़ लिया। ये सब तुम मुझसे क्यों छिपा रहा है? मोहतरमा से तुम प्यार करते हो, इस खुशी में हमें नहीं मिलवाओगे? मैडम बाय द वे आई एम डॉक्टर परमहंसा, मेरा मतलब परमहंस। नमस्ते। सुनिए, ये देख नहीं सकती डॉक्टर। आई एम सॉरी मैडम, मैं जाने बिना क्या क्या कह गया। तुम्हें जन्म से नहीं दिखता क्या? नहीं डॉक्टर, एक हादसे में मेरी आंखें चली गई। बेटा सनी, क्रिस्टोफर मेरा दोस्त आई स्पेशलिस्ट है जो जर्मनी से आया है और जल्द ही लौटने वाला है। अगर मुझे पता होता उससे समय लेकर इस बच्ची को उसे दिखाने का इंतजाम करा देता। डॉक्टर वो कब जाने वाले हैं? 2-3 दिन के अंदर। उससे पहले किसी तरह उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं? आई विल ट्राई माई बेस्ट। कोशिश नहीं डॉक्टर, आपको मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। ठीक है सनी, पहले इसे मेरे हॉस्पिटल में लाओ। डोंट वरी बेटा, तुम फिर से देखोगी। चलता हूँ। थैंक यू। हाय चिकनी। थैंक्स। इंदु, शर्ट पे थोड़ी आइसक्रीम लग गई है, साफ करके आता हूँ। हाय कृष्णा, उस दिन बस स्टॉप पर मिला था, सिंपल से बात करके निकल गया। आज जी भर के बैठ के बात करते हैं, कम ऑन। नहीं यार, मैं एक फ्रेंड के साथ हूँ। इसको अपन तेरे साथ दूसरी बार देख रहा है, बहुत बढ़िया आइटम पटाया रे, बिल्कुल वनीला आइसक्रीम की तरह। ए, उसके बारे में ऐसी बात मत कर। उसके फिगर के बारे में अपन तारीफ कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? उसका शेप गठीला बदन देखकर तो जोश आ जाता है। उल्टी सीधी बात करेगा तो जान से मार दूंगा। क्यों भिड़ू, लड़की मिलता ही अपने दोस्त से मुंह मोड़ लिया, इतना प्यार हो गया क्या? इस बार मुझे मौका देना यार। कृष्णा क्या कर रहा है? कृष्णा मत मार यार, लग रही है अपन को। मत मार यार। कृष्णा क्या कर रहा है यार? मुझे नहीं चाहिए, तू छोड़ देना मुझको। अरे छोड़ दे। अरे कृष्णा मैं मर जाऊंगा। इंदु चले यहाँ से। सनी जी आप आ गए, देखिए कृष्णा को देखिए, यहाँ पर भी आके तोड़फोड़ कर रहा है, उसी की वजह से आज मेरा ये हाल हुआ है सनी जी। असल में क्या हुआ तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं सनी जी, उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो एक नंबर का मवाली है, उसे कितनी बार गुंडागर्दी करते हुए देखा है मैंने। मैं आज अंधी हूँ तो सिर्फ उसी की वजह से, उसी मवाली की वजह से,
उसी की वजह से। सिर्फ उसी की वजह से, उसी मवाली की वजह से, उसी की वजह से। मैं आज अंधी हूँ तो सिर्फ उसी की वजह से, उसी मवाली की वजह से, उसी की वजह से। अरे बॉस, दो चाय लेके आना। लाऊंगा, पहले दोनों पिछला हिसाब क्लियर करो, अपने जेब से पैसे निकालो, उसके बाद ही चाय मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, बहुत महान आदमी हो तुम करतार। तुम अगर दो चाय दे दोगे तो तुम्हारा खजाना खाली हो जाएगा, ऐसा आते ही भर देंगे यार। अब ऐसा नहीं चलेगा भाई, पुराना हिसाब चुकाओगे तो ही चाय मिलेगी। ये क्या यार, आजकल ये बहुत स्ट्रांग फैसला ले रहा है। डबल स्ट्रांग करतार भाई, एक प्लेट पकौड़ी देना। एक मिनट लाता हूँ स्वामी। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे यार मुझे एक डाउट है, यहाँ खाना बंद करना चाहिए। ऐसा डाउट तुझे क्यों हुआ? लेकिन ये भाई ने तो पकोड़े का ऑर्डर दिया है। वो पकोड़े खाना हमने छोड़ दिया। करतार के होटल का पकोड़ा खाने नहीं चाहिए। बाप रे, जो करेक्ट है, शायद तू एक बात भूल गया है। जो पकोड़े खाते हैं उसमें बड़े का भेजा है। मुझे एक लेग पीस मिला था। फिर सब लोग क्यों खाते हैं? वो चोरी से मिला था, सबको थोड़ी मालूम होता है। करतार सर, पकोड़ा कैंसिल। क्या स्वामी शरणमयप्पा। आहा, हमने ऑर्डर दिया तो लोकल चाय भी नहीं दिया, अभी स्पेशल चाय क्यों दे दिया? और इसके बाद चाय, कॉफी, हॉर्लिक्स, बूस्ट, बॉर्नविटा, इडली, उपमा, डोसा, पूरी भाजी सब मिलेगा, सब लाके दूंगा। मेरे भाई, मेरे पेट पे लात मत मारो भाई, मत मारो भाई। पागल पागल मैं नहीं, तू है। चाय सुपर्ब है। कस्टमर को भगाना शुरू किया तो सुपर चाय देने लगा, अगर इसके होटल को मेंटेन करने लगे तो। दूध वाली, देखो स्वामी के जाते ही पार्टनर आ गया। आओ सन्नी, बहुत सही वक्त पर आए हो, देखो ऑर्डर देते ही स्पेशल चाय आ रही है। ए बालू, तेरे पास 4,000 रुपए हैं? 4,000? 4,000 में कितने शून्य होते हैं मुझे पता नहीं है। इतने पैसे किस लिए चाहिए तुझे? जर्मनी से एक आई स्पेशलिस्ट आए हैं, इंदु को वहां दिखाना है। हमारे पास होते तो 4,00,000 भी दे देते, लेकिन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया क्या? हाँ यार, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सुनो, ये अंगूठी तुम बेच सकते हो क्या? ये क्या सन्नी, माँ ने तुझे बड़े प्यार से दी है ये अंगूठी, बुरे वक्त में भी तूने इसे नहीं निकाला, एक लड़की के लिए तू इसको? मैंने इंदु के लिए अंगूठी बेची है ये जानकर माँ खुश हो जाएगी, इसे बेचकर जल्दी से पैसे ले प्लीज। हाँ यार, वही निक्कर वाला भाई। तुम कब से यहाँ भटक रहे हो? अब मुझ में दम नहीं है, तुम सही बताओ, तुम एड्रेस जानते हो या नहीं? जानता हूँ। तू किससे बात कर रहा है जानता है? इस शहर के हर गली का एड्रेस मैं जानता हूँ, तू कहता है मैं नहीं जानता। बैठो। यहाँ बैठा कर मुझे पागल खाने भिजवाओगे? ये बात नहीं है दास, यहाँ से स्ट्रेट जाकर राइट को मुड़ जाना। खत्म नहीं होने वाला, मैं तेरी मुंडी काट कर सीधा जेल चला जाऊंगा। ओहो, जेल का पता चाहिए तुझे? वेरी सिंपल यार, यहाँ से राइट पे जाकर लेफ्ट पे मुड़ जाना और वहाँ से उस लड़की को देख, फर्स्ट क्लास है। पीछे से देखने में इतनी सुंदर है तो आगे से देखने में तो कयामत होगी। किसका रास्ता देख रही हो तुम लोग? बस का भाई, ये लड़की अपने माधव जैसी लग रही है ना। ऐसा तू क्यों कह रहा है? हो ना हो भाई, ये माधव माधुरी बन चुकी है, ये कब से माधुरी बनने की तैयारी रहती। चलो चल कर देखते हैं। में चलो। ए, आज श्रावण शुक्रवार है ना? हाँ। तुम लोगों ने पूजा नहीं की क्या? मैं ना कुछ पंडितों को बुलाकर बड़ी शान से पूजा करने वाली हूँ। अरे माधव,
मुझे लाइन मारने के लिए ये मावाली लोग ट्राई कर रहे हैं, इन्हें मत देखो। आखिरकार तू धीरे धीरे करके माधुरी बन गई, तुझे किसी की नजर न लग जाए, समझी? ए मिस्टर, लेडीज लोग के सामने तुम ऐसी वल्गर बातें मत करो, तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या? अपना फ्लैशबैक भूल गई क्या? टेबल का कनेक्शन देते हुए तू चोरी से मुझसे लिपटकर मेरे पैरों पे अपने पैर रखती थी ना, तो फिर अब इस तरह से बात करने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। हाँ? एक मिनट रुको दीदी, डंडे वाली दीदी। हाँ? कतरा हमारी तरफ स्लो मोशन में बढ़ रहा है। देखो ना दीदी, ये मवाली हम लोगों को छेड़ रहे हैं। ये मेरा एरिया है, तुम जैसे मवालियों को अरेस्ट करना ही मेरा मकसद है, और तुम जैसे मवालियों को सड़क पर घूमने की बजाय लॉकअप में होना चाहिए। ये मेरा बाय बाय। क्या है, बस में जाना है, चल चल यहाँ से। विनायक, मैं इंदु को डॉक्टर को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। विनायक, अगर तुम चाहो तो उसे दोबारा आंखों की रोशनी मिल सकती है। सन्नी, अरे सन्नी, नहीं आया बाबा, कह दिया ना तुमने उसे। मुझे नहीं चाहिए। ऐसा क्यों, हमेशा तुम उससे मांग के लेते हो, आज मैं दे रहा हूँ तो तुम मना कर रहे हो? वो माँ ने इस बार मनी ऑर्डर नहीं भेजा है, गांव से टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम? माँ, माँ अब नहीं रही संदी। तुम्हारे सारे दोस्त लोग तुम्हारा मनी ऑर्डर आया सोचकर देखो ना खुशियां मना रहे हैं। सनी जी, सनी जी, आप जरा यहाँ आइए। क्या है सनी? मेहरबानी करके ये बात किसी को मत बताइए, बाद में बताऊंगा, अभी जाइए। अच्छा। तेरे कहने के मुताबिक मैं अंगूठी बेचकर पैसा लाया हूँ। छे, पता होता कि मनी ऑर्डर आ गया है तो मैं माँ की दी हुई अंगूठी नहीं बेचता यार। बालू, अब सब कुछ खत्म हो गया यार। जी? हाँ। डॉक्टर के पास कब चलना है? चलते हैं, मैं आता हूँ। चलो चलते। आज आपने फूल नहीं लगाया? फूल मुरझा गए हैं, चलो। दादी माँ। क्या बेटी? हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अच्छा। सनी, आप ही है ना? हाँ। डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया है। कम ऑन सनी, डॉक्टर, ये मिस्टर सनी क्रिस्टोफर। प्लीज बी सीटेड।
चेकअप हो गया है, ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। कोई बात नहीं डॉक्टर, जो कुछ कहना है मेरे सामने कहिए। एसिड पड़ने से आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी है, ऑपरेशन के बाद भी ठीक होना ना के बराबर है। देखो ये डिप्रेस हो जाएगी, इसलिए अकेले में बात करना चाहते थे। डोंट वरी सनी, आई विल गिव यू अ लेटर टू आई बैंक एंड आई टॉक टू रमेश हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ही विल डू द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ने आई बैंक के लिए लेटर दिए हैं, लेट्स गो एंड ट्राई। थैंक यू डॉक्टर, ऑल द बेस्ट। इंदु चल। सी ओके सनी, जल्दी चल यार। क्या हुआ? पोस्ट मैंने सब बता दिया है, तू चल यार। चल चलो। आजा सनी। क्या हुआ सनी जी? दरवाजा खोलो। एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं इंदु। आ गया बेटा। अरे तेरी माँ तुझे देख के बगैर ही चली गई रे। माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? हम उसे शमशान घाट लेकर गए हैं उसका अंतिम संस्कार करने के लिए बेटा। माँ, माँ, ए सनी, सनी, मैं आ सनी, मैं आ गया सनी, सनी, माँ, सनी रुक जा, मैं सनी, 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 शांत हो जा, समझ जा मेरे भाई, समझ जा, सनी। मुझे आखिरी बार माँ के दर्शन करने का मौका भी नहीं मिला भाई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये बात नहीं है सनी, तुझे खबर भिजवाने की हमने बहुत कोशिश की लेकिन माँ ने रोक दिया। अपने अंतिम समय में माँ ने इंदु के लिए अपनी दोनों आंखें दान कर दिया। हाँ भाई, माँ की सांसें चल रही थी तभी ऑपरेशन करके उनकी आंखें निकाल ली गई। ऑपरेशन के बाद माँ के पार्थिव शरीर को लाकर मैंने अग्नि के हवाले कर दिया, मैंने अग्नि के हवाले कर दिया। इंदु बेटा, सनी इस वक्त अपनी माँ को लेकर बहुत दुखी है और वो अकेला पड़ गया है, तुम जाकर उसे हौसला दो बेटा। सनी जी, इंदु तुम देख सकती हो? हाँ इंदु, तुम इस दुनिया को जरूर देखोगी। माँ अपनी दोनों आंखें तुम्हारे लिए छोड़कर गई हैं, अब तुम जरूर देखोगी। माँ की आंखों से तुम देखोगी। मैं जानती हूँ सनी जी कि इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी। सारे गम को सीने में छुपाकर सिर्फ मुझे खुश देखने के लिए मेरी परीक्षा ले रहे हैं आप। सनी जी, अगर मैं नहीं भी देखूं तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं भगवान की मर्जी समझकर आपकी आंखों से देखूंगी। लेकिन एक बात मेरे इस मन में रह जाएगी, जो मेरा सहारा बना, जो मेरे लिए जी रहा है, उसको मैं अपने मन की आंखों से देखकर खुश रहने की कोशिश करूंगी और अपने मन के देवता को एक ना एक दिन जरूर देखना चाहती हूँ। जानते हैं क्यों? मैंने आपकी मम्मी को नहीं देखा लेकिन उन्होंने अपनी आंखें देकर मेरी जिंदगी में खुशियां भरने की कोशिश की है। उस देवी जैसी माँ को भी भगवान ने अपने पास बुला लिया, उन्हें तो मैं देख नहीं सकती लेकिन अब मैं आपकी माँ की आंखों से आपको एक बार देखना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। सनी जी, सिर्फ एक बार आपको देखना चाहती हूँ मैं, एक बार देखना चाहती हूँ। आपने जिस इंदिरा को एडमिट किया है उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके सारे टेस्ट मैंने कर लिए हैं, उसका ऑपरेशन करने के लिए शी इज परफेक्टली ऑल राइट। आई बैंक को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, जल्द ऑपरेशन कर लेना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। जो पैसे आपने दिए थे वो खत्म हो गए हैं, आगे के काम के लिए 1,00,000 रुपए जमा कराना पड़ेगा। 1,00,000 रुपए? जी हाँ,
आप 1,00,000 रुपए का इंतजाम कर लेंगे तो उसकी आंखों की रोशनी आ जाएगी और वो देख सकेगी। इसलिए आपकी माँ ने इतने प्यार से जो आंखें दी हैं उसके काम आ सकती हैं। आपकी माँ ने इतने प्यार से जो आंखें दी हैं उसके काम आ सकती हैं। देखो भाई, एक बेटा होने के नाते अपने पिता के लिए तुम्हारी तड़प मैं समझ सकता हूँ। एक डॉक्टर की हैसियत से कह रहा हूँ, ओ नेगेटिव ग्रुप की किडनी डोनेट करने वाला इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। आप एक बार पूना में ट्राई कीजिए। नहीं डॉक्टर, वहाँ पर किडनी देने वाले व्यक्ति नु हैवी ब्लड शुगर है, इसलिए उसकी किडनी किसी कम दी नहीं। इस तरह डॉक्टर ने क्या है, अगर आप उन्होंने कोई मिल गया तो वो मैनू फोन करांगे। किसी भी तरह करके मेरे पिताजी नु बचा लो डॉक्टर साहब प्लीज। मैंने आपसे अभी अभी कहा ना, ओ नेगेटिव ग्रुप का आदमी मिलना वाकई बहुत ही मुश्किल है, और अगर वो मिल भी जाए तो इसकी क्या गारंटी कि वो अपनी किडनी देगा। डॉक्टर यस, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, किडनी मैं दूंगा। थैंक यू रब्बा। प्रा, आज मैं 2:30 बजे की फ्लाइट से पुणे जा रहा हूँ। आज ही? हाँ प्रावा। सर मैं अपनी किडनी देने के लिए इसलिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे इंदु का ऑपरेशन कराना है। ऑपरेशन का पैसा जमा करके मैं 11 बजे तक पुणे पहुँच जाऊंगा। ऑपरेशन के लिए कितना जमा करना है? 1,00,000। 1,00,000? 10,00,000 भी खर्चा हो तो परवाह नहीं, इतने इंदु की जिम्मेदारी मेरी, उत्थे मेरे पिताजी नु बचाण की जिम्मेदारी थोड़ी। पहले पैसा लेकर हॉस्पिटल विच जमा कर दो। थैंक यू सर। ओके, मैं आज ही की फ्लाइट से पुणे निकल जाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ बेटा। ठीक है दादी माँ। अरे बेटा, अभी नर्स कह के गई है शाम को ऑपरेशन करेंगे। तुम्हारा एहसान का बदला मैं इस जीवन में कभी नहीं चुका पाऊंगी। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। अब तुम लोग बातें करो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। सनी जी, ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम हो गया क्या? उसकी चिंता तुम क्यों करती हो, तुम्हारा ऑपरेशन ठीक से हो जाएगा। सनी जी, इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ आपको पता है? जब मेरी आंखों की रोशनी थी तब सिर्फ मैंने आपके गाने को सुना था, और आज आप मेरे सामने हैं और मैं आपको देख भी नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देखने का सपना जरूर सच होगा। जब मैं अपनी आंखों से आपको देखूंगी उस वक्त की खुशी में। इंदु, बैठ जाओ। बैठो। इंदु, ये मौका तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऑपरेशन के बाद जब तुम देखने लगोगी उस समय अगर मैं तुम्हारे सामने ना रहूं तो। मतलब आपको देखने के लिए मुझे एग्रीमेंट साइन करना होगा? चेचे, तुम ऐसा क्यों समझ रही हो? सनी जी, आप हमेशा मेरे मन में रहे हैं, मैं आपकी पूजा करती हूँ। जब मैं देखने लगूंगी तब आप मेरे सामने नहीं रहोगे, तब तो मेरा देखना ना देखना कोई मायने नहीं रखेगा। सनी जी, सनी जी, मैं आपको अंधेपन का सहारा ही नहीं अपने जीवन भर का साथी भी समझने लगी हूँ। भगवान के लिए आप मेरा ये सपना मुझसे छीनने की कोशिश मत कीजिए। ऑपरेशन होने के बाद सबसे पहले मैं सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ। उस वक्त मेरे सामने आप रहेंगे, इसी आशा से मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी। हाँ, thank you.
इंतजार करेंगे सर, थोड़ी देर में 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। योर अटेंशन प्लीज, मुंबई टू हैदराबाद नंबर 7001 सागर एक्सप्रेस इज अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। एक्सक्यूज मी, हाँ आप हैदराबाद जा रहे हैं? हाँ मैं भी हैदराबाद जा रहा हूँ, एक छोटी सी मदद करेंगे प्लीज? बोलिए। इस सूटकेस का ध्यान रखिएगा, मैं अभी बाथरूम जाकर आता हूँ। ओके थैंक यू। इंस्पेक्टर, ये सूटकेस नहीं खोलो। बम है इसमें। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं कुछ नहीं जानता, ये बैग मेरा नहीं है। चाय बैग मेरा नहीं है। चलो 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 चल, सुनिए चल 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 अंदर बैठ चल बैठ अंदर चल बैठ बैठ बैठ। आप इतने साल जेल में रहे, ये बात इंदु जानती है क्या? वो नहीं जानती। पहले मैं इंदु की नजर में एक शरीफ इंसान था, अखबार में फोटो छपने के बाद उसके और दुनिया के लिए टेररिस्ट बन गया हूँ। लेकिन इस वक्त इंदु हैदराबाद में कहाँ है, कैसी है, ये बात आप नहीं जानते? इंसान अपने दिल में जिसको बसा लेता है उससे दूर होने के बाद उसे कितनी टेंशन होती है, ये बात आज आपसे मुझे पता चली। अब इंदु को कहाँ तलाश करोगे? वो जब तुम्हें मिलेगी उसका रिएक्शन क्या होगा, ये जानने के लिए हम बहुत बेचैन हैं। सर क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? सर हम भी आपके साथ चल सकते हैं क्या? ए, हमें अपना लगेज रखकर लौटने में बहुत देर हो जाएगी, आज नहीं तो कल फिर हमारी मुलाकात होगी। आज ही क्यों? यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ओके मैं चलता हूं। बाय 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 सर। बाय बाय सर। बेस्ट ऑफ लक सर। बाय सर। बेस्ट ऑफ लक। नंबर 2 पर आ गई है। सनी जी, हां इंदु आपको जरूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक सनी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। ओके बाय। थैंक यू। बाय। बाय। जल्दी करो, लगेज उठाना है। यहीं जाना है साहब। यहां पर नहीं, थोड़ा और आगे लो। थोड़ा आगे पीछे करके मुझे कब से घुमा रहे हैं, खुद को तो आपको पता नहीं है कि कहां जाना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। वो लोग यहीं पर तो रहते थे, रोड के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, अब तो एक भी नहीं। यही तो बात है, 7 साल के अंदर ये एरिया का नक्शा ही बदल गया है। यहाँ पर डेवलप करने के लिए कॉरपोरेशन वालों ने यहाँ के सभी लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, अब यही मेन रोड बन गया है। पता नहीं बरसों बाद कहाँ से चले आते हैं। ए तुम बाहर उतरो, 7 साल पहले का एड्रेस लेके मेरे ऑटो का टाइम क्यों खोटी कर रहे हो? चलो जाकर पैदल ढूंढ लो। हेलो, यहाँ एक घड़ी वाला टावर था, तुम्हें पता है? घड़ी वाला टावर मैंने तो कभी देखा नहीं साहब जी, मुझे पता नहीं है। यहाँ पर केबल टीवी वाले कोटेश्वर राव रहते थे, उनका एड्रेस बता सकते हो? मैं 5-6 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो ये नाम भी नहीं सुना। शायद पहले रहता हो? पता नहीं, मैं नहीं जानता, आप बाजू की बिल्डिंग में पूछ लीजिए। हाय साहब, यहाँ पर नंदू जी की एक होटल हुआ करती थी, इस वक्त वो कहाँ पर है कुछ पता है? अच्छा वो पंडित जी चाय वाले के बारे में कह रहे हैं, उन्हें दूसरी जगह देकर यहाँ ब्रिज बना दिया गया है, अभी सिर्फ एक मंदिर बचा है दुर्गा माता का। अरे जिमी, जिमी यार, ए कितने साल हो गए इंदिरा को देखे हुए। कोई बात नहीं, तू तो मिल गया ना। कहाँ है यार तुम्हारे सब साथी? इंदु कहाँ है, कोटेश्वर राव कहाँ है, बालू कहाँ है, और सब लोग कहाँ है? खैर चलो, तू तो मिल गया ना,
बस अब मेरी हिम्मत बढ़ गई है ना? इंदु, इंदु, ए, गाड़ी रोको। ए, गाड़ी रोको। अरे दास, हाँ, सन्नी दिखाई दिया यार। कहाँ है? वो यहाँ कब आया? पता नहीं कब आया, लेकिन गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। चल देखते हैं। इंदु, इंदु। गाड़ी रोको। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ए रुको, ए किधर जा रहा है? भैया ये मुझे उससे बात करनी है। अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम, रेडी बगर, बगर। इसको उठा के जेब में डालो। सनी, सनी रुक जा बेटा, इस तरह भागते नहीं। आपका बच्चा है? हाँ मैडम। नाम क्या बताया? सनी। नाइस नेम। मैं ही सनी हूँ, उसे ये बताने का मौका मुझे कभी नहीं मिला। तुम अपने मन में झांक कर देखो, मैं आज भी वही पहचान सकूँ तो पहचान जा। क्यों बे, दिखाई नहीं देता क्या? अरे क्यों इतना चिल्ला रहे हो भाई, स्पीड कम रखो। गाड़ी के ऊपर सायरन होते हुए भी इतनी स्पीड में गाड़ी लेकर आ रहे हो, इसमें रिक्शा वाले की क्या गलती है? चलो ठीक है, ठीक है, की गई गलती के लिए अगर तुम 86 रुपीस फाइन भर देते हो तो ही तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना नहीं, दैट्स ऑल। ये ऑटो ड्राइवर तो कुछ नहीं बोल रहा है, तू कौन होता है बोलने वाला? ए, इज्जत से बात करो, है पब्लिक। वैसे तो रिश्ते में तुम मेरे भाई लगते हो, इस वक्त तुम यूनिफॉर्म में, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तुझे पता नहीं कलेक्टर मैडम मेरी रिश्तेदार लगती है। अरे जिमी, तू कैसा है जिमी? ये भी पहचानता है मैं कलेक्टर का रिश्तेदार हूँ। इज्जत को बचा कर रखना चाहिए, ये तेरा काम है। खाने के टाइम पे चला आता है और खा करके गायब हो जाता है। अरे ये पीछे भागते हुए क्यों जा रहा है? आजकल पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया है क्या? हेलो जिमी, जिमी आई एम कमिंग। ए जिमी, क्या कर रहे तू? ए तुझे क्या हो गया? ए सनी, अरे तेरा ये हाल किसने कर दिया रे? ऐसे नहीं सनी, तुझे किसने मारा? किसने मारा तुझे? बता मुझे, बता मुझे। सनी होश में आजा बेटा, बता मुझे क्या हुआ, बता। सनी, सनी बता मुझे, सनी। ए गाड़ी हटा, पैसे तो लेने दो। किसने मेरे बच्चे सनी को मारा है, बता रहे, बता। कलेक्टर साहब को ये बात पता चले तो जानता है क्या होगा? क्या हो जाएगा? कलेक्टर साहिबा ने ही इसे मारने के लिए हमें आदेश दिया था।
जगह कलेक्टर साहिबा ने मारने के लिए कहा? जी हाँ, उन्होंने ही कहा है, विश्वास नहीं है तो जाकर पूछ लो। कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अंदर कलेक्टर साहिबा की मीटिंग चल रही है, किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। छोड़ो छोड़ो मुझे, यहाँ पर किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। 15 मिनट के लिए मीटिंग रुक भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओ कलेक्टर मैम साहब, बाहर आ जाओ। इंदु बाहर आ, बाहर आ इंदु। ए इंदु, इज्जत से जाकर उसे माफी मांग ले। क्यों चिल्ला रहे हैं? जज्बात में बह गया था मैम साहब, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। पुलिस वाले ने मारकर जीप पे किसको डाला आपको पता है? पता है। पता होते हुए भी तुमने उसे मरवाया? मेरे कहने पर ही पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है, तो आप क्या कर लेंगे? तुम अपनी औकात भूलकर बातें मत करो। मैं कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन आप खुद अपनी औकात भूल रहे हैं। हाँ बेटी, मैं अपनी औकात भूलकर बातें कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं हूँ। आज तुम एक बड़ी औरत बन चुकी हो, जिसके हाथ में कानून है, अहंकार से भरी हुई है, ये तू नहीं समझ पाएगी कभी। जब तुम रोटी की एक एक निवाली के लिए मोहताज थी, उस समय उसी बंदे ने तुम्हारा साथ दिया था। बड़े बड़े लोग भी एक ही दिन में खाक में मिल जाते हैं, लेकिन इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। आज इतनी बड़ी बन चुकी हो कि इंसानियत के धर्म को भूल गई हो। तुम नारी कहलाने के लायक नहीं हो। Stop it! इन्हें गेट से बाहर निकालो। इंदु, अगर अनजाने में तुझसे गलती हुई है तो जाकर उससे माफी मांग ले, ऐसा ना हुआ तो दोबारा कभी उससे नहीं मिल पाओगी। इंदु जाओ जाओ, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात पर विश्वास करो, उससे माफी मांग लो। Stop! Stop the bus! Stop the bus! Stop! Stop the bus! Stop the bus! आप सनी जी है ना? आप सनी जी है? आप सनी जी हो क्या? बताओ ना प्लीज, मेरे सनी जी कौन है? बताओ ना, मेरे सनी जी कौन है? आप कौन है? मेरा नाम इंदु है। आप ही इंदु है क्या? ये गाना तो हमें सनी ने सिखाया। क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ पर है? सत्यम शिवम सुंदरम ओम मंगलम मंगलम। सनी जी, आप मुझे छोड़कर इतने दूर क्यों चले गए थे? बताइए ना, क्यों चले गए थे? मैं आपके आने की राह कब से देख रही हूँ। कहाँ चले गए थे आप सनी जी? मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। आप मुझे खुद नहीं बता सकते थे कि सनी आपका नाम है? और आज मैंने ही आपको अरेस्ट करवाया, तब भी आपने नहीं बताया कि सनी जी आप हो। मुझे बता नहीं सकते थे क्या? ऑपरेशन होने के बाद जब पट्टी खुल रही थी, तब सबसे पहले आपको देखना चाहती थी। सनी जी, आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से है। ये ओहदा, ये इज्जत, ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से है सनी जी। आपका ये एहसान मरकर भी नहीं चुका पाऊंगी। आज आप मेरे सामने हो और मैं आपको पहचान भी नहीं पाई। सनी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। इंदु, इंदु।